ट्रांसलेशन तो हो गया था, तो हाँ अगर लिक्विड रोटेशन होगा तो क्या होगा? रोटेट सर, अभी मैं आपको दो वेक्टर्स के क्वेश्चन भेजू क्या, एक बार आप देखो ठीक ना। हाँ वो मेरे से नहीं हुए, एक बिल्कुल मिनट। लेकिन चंदन सर फिजिक्स देखो भेजा मैंने। गया गया गया। हाँ, पहले कौन सा करना ऊपर नीचे वाला पहले। शो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। फ्रॉम द यू एंड बाकी क्वेश्चन ही मेरे को समझ में नहीं आया, वो क्या बोलना चाह रहा। ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है, फ्रीज करना है, बट फिर कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। हाँ वो वेक्टर्स का ही है बेसिकली, राइट। वेक्टर मैथ्स में जो होता है, हाँ ये इक्वेशन ऑफ प्लेन का हो गया, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। यस इसको वेक्टर फॉर्म में कर सकते हैं। देखो मैं इसको तुम्हें 2D से सुना था, 2D में समझ में आ जाएगा। तो मान लो कि ये दो लाइन है, ये और ये अलग है, कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट। दोनों प्लेन आई थिंक वो। हाँ प्लेन है, हाँ, और और एक यू नॉट वी नॉट जो गिवन है ना, वो बेसिकली एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट का वैल्यू अगर यू में डालोगे तो वो यू नॉट है। हाँ हाँ नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ, दो प्लेन से एक पॉइंट का डिस्टेंस का मतलब क्या समझ रहा हूँ कि द वो डिस्टेंस। एक्चुअली मेरे को वो ही समझ में नहीं आ रहा। मेरे को क्या लग रहा है कि वो सम ऑफ डिस्टेंस पूछ रहा है, कि एग्जैक्टली वो क्या पूछना चाह रहा। हाँ वही मुझे लग रहा है कि ये सुधर द डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम यू एंड वी इज या तो फिर ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि पहले यू और वी को इंटरसेप्ट करवा दे, और फिर यही उस इंटरसेप्शन से पॉइंट कितना होगा डिस्टेंस। हाँ। तो ये कहे कि सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और इसका जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, हाँ वहां से एक लाइन मिलेगा या एक पॉइंट मिलेगा, एक लाइन मिलेगा बेसिकली, ये तो और बड़ा उस लाइन। बेकार क्वेश्चन। ए बी सी एक्स वाई जेड इक्वल्स टू माइनस डी, ऐसे लिख सकते हो ना? तो ये बेसिकली हो जाएगा हमारा 2x3 मैट्रिक्स, ऐसे हो जाएगा हमारा, ये डी डैश डी डैश, ऐसा मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन को हम लोग डी को इधर लेके चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस डी, है ना? यस उसको माइनस डी कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा डी वाई सी डेल जेड इक्वल टू माइनस डी डैश, तो ये दिस वी कैन कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स इक्वेशन लाइक दिस। सो इट इज लाइक सम कोफिशिएंट वेक्टर ए, सम वेरिएबल वेक्टर वी इक्वल टू सम कांस्टेंट वेक्टर, क्या नाम दें, कुछ नाम देते हैं डी, बी यस मतलब डी सब वेक्टर इक्वेशन होते हैं। हाँ तो यानी कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक्स का आंसर क्या है, व्हाट इज एक्स वैल्यू। एक्स विल बी ए इनवर्स डी, ए का इनवर्स निकालेंगे, डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? यस और हमें इससे कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो जो डिस्टेंस है, चूंकि हमारा ये एक एक्स वाई जी आएगा ऐसे सॉल्यूशन इसका, विच इज ए इनवर्स डी इन मैट्रिक्स नोटेशन, इसको कैपिटल डी कहते हैं, मैट्रिक्स अच्छा लगेगा।
सॉल्यूशन तो मैं फट से निकालूंगा, फिर ये जो सेकंड मिला मिला पॉइंट, और अपने पास एक और पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, तो यहाँ में करना क्या है कि जो सॉल्यूशन आया, जो इंटरसेक्शन आया, और इस पॉइंट में निकालना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, बट इसका भी तरीका क्या होगा, इसको भी हम डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं ना। तो जगह डिफरेंस का डॉट है ना, यानी कि अगर इसको हम एक और वेक्टर कहते हैं, एक्स नॉट वेक्टर कहते हैं ऐसे, यस, और एक्स वेक्टर है, तो हमें क्या करना है कि इसका डिफरेंस लेना है एक्स माइनस एक्स नॉट, और डिफरेंस लेंगे तो क्या जाएगा हमारा, जगह एक्स माइनस इन एक्स माइनस एक्स नॉट y माइनस वाई नॉट और जेड माइनस जेड नॉट, और इसका लेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स चला गया, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर वैल्यू, इसका लेंगे रूट। ये क्या है, मतलब ऐसे सॉल्व करोगे? हाँ, वो आज मैंने मैच के सर को भी पूछा तो वो कल बताएंगे। नहीं, ये तो मैं सॉल्व तो कर दिया मैंने, ये सॉल्व तो नंबर तो मैं अभी कभी मैं डालूंगा अपने पाइथन कोड में, सॉल्व कर देगा, लेकिन नंबर नहीं है ना ये। हाँ, तो और वो प्रूफ करना है बेसिकली। हाँ, तो प्रूफ तो हो गया, तो यही आंसर है। हाँ, डिस्टेंस का दिया हमने, इंटरसेक्शन का, और ये जो पॉइंट दिया है, नहीं, जो स्पेसिफिक वो दिया ना हमको आंसर, देखो ना। हाँ, तो वही आएगा ना, इसको करके तुम अगर ये कर लोगे ना तो गारंटी तो यही आंसर है। ओके, तो ये 100% यही आंसर आएगा, और मैं करके दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ डिफरेंस वेक्टर क्या जाएगा, x माइनस x नॉट, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा x x जो है ये a इनवर्स d आएगा पहले, yes। तो ये निकालोगे जो a इनवर्स d, वो भी एक टर्म है, एक समथिंग 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 माइनस 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 क्या जाएगा, x नॉट y नॉट z नॉट, इसका फिर क्या लेना होगा ट्रांसवर्स, और उसका लेना होगा डॉट प्रोडक्ट किससे, इसी से, yes। आंसर तो आ ही जाएगा, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये करे कौन ये सब, क्योंकि ये 3D ज्योमेट्री है, ये बेसिकली वेक्टर नहीं, ये 3D ज्योमेट्री है, तुम ये वेक्टर में इसको जब लेके आ जाओ, ये वेक्टर है 3D ज्योमेट्री क्वेश्चन, ठीक है। ये प्रोसेस है, मतलब देखो मैट्रिक्स फॉर्म तो ऐसा पावरफुल मेथड है, उसे कोई भी सॉल्व करता है, कुछ भी सॉल्व करता है, तो मैट्रिक्स से पावरफुल कुछ होता नहीं दुनिया में, बिकॉज इट सॉल्व एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तो अब तुम सोचो कि इसका मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, ये हेडक का काम है, पहले तुम्हें सबका को फैक्टर निकालो, है ना, एडजेसेंट मैट्रिक्स निकालो, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजेसेंट ऑफ मैट्रिक्स अपॉन मॉड ऑफ इट, यस। तो अब जो इनवर्स है वो तभी निकलता है जब हमारा क्या हो, वेक्टर कैसा हो, वेक्टर हो, स्क्वायर वेक्टर हो, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर भी नहीं है, एक इनवर्स तो निकलना भी मुश्किल है, क्योंकि स्क्वायर है ही नहीं, yes। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, यानी कि ओह माय गॉड, ऐसे सॉल्व नहीं होगा, यानी कि इसको बेसिक से करना होगा सॉल्व। हाँ, लग रहा ये क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व होगा, फिर भी हम लोग एक ट्राई करते हैं, ट्राई क्या करते हैं, u माइनस v करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, a माइनस a डैश इंटू एक्स वाई प्लस इंटू जेड, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओके, और ये जो पॉइंट मिल गया हमें, यानी कि ये इक्वेशन एक मिल गया, a माइनस a डैश b माइनस b डैश c माइनस c डैश इंटू जेड, और अपने पास क्या है, इक्वेशन सॉरी d माइनस d डैश होगा, ये d डैश माइनस d उल्टा जाएगा, इफ यू टेक द डिफरेंस, जीरो है d को तो लेके आएगा ना, d डैश माइनस d। अच्छा, मुझे क्वेश्चन का मतलब ही समझ में आ रहा है, क्वेश्चन का मतलब क्या, वो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन का मतलब क्योंकि अगर हम इसको देखें कि इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स,
मैं समझ गया सर, दो प्लेन का जो इंटरसेक्शन होगा क्या लाइन होगा, और लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस वो निकाल सकते हो, मैं बोल रहा हूँ ना आपको अब सर। तो पहले इसका लाइन तो निकालना होगा, इक्वेशन लाइन कैसे होगा? हाँ ये तो सॉल्व हो जाएगा, बेसिकली क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा दोनों का पहले। हाँ हाँ, तो इसका जो सॉल्यूशन है ऐसे सॉल्व मैं कर दूंगा इसको, ठीक है मैं सॉल्व करता हूँ, मैं मैट्रिक्स से ही करूंगा, मैट्रिक्स से ही इजी होगा। देखो ax प्लस क्या था, by प्लस cz इक्वल्स टू माइनस d, a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश z इक्वल्स टू माइनस d डैश, है ना। तो बेसिकली हम लोग ये बोलते हैं a b c a डैश b डैश c डैश इनटू x y z इक्वल्स टू माइनस d d डैश, और ओके इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे कुछ फायदा तो नहीं लग रहा है। एक तरीका ये है क्योंकि ये इक्वेशन है थ्री वेरिएबल में और वेरिएबल्स कितने हैं, इक्वेशन दो हैं और वेरिएबल तीन है, समझे क्या, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा ना, मतलब किसी एक वेरिएबल को क्या मान लो, कुछ मान लो कि ये कॉमन वैल्यू है, तो लेट्स सॉल्व दिस एज टी, उसको टी मान लो, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टी कह दो, जेड भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू माइनस टी, माइनस डी माइनस सी टी, एस एक्स प्लस बी डेस वाई इक्वल टू माइनस डी डेस माइनस सी डेस टी। अब टी एक कॉमन वेरिएबल, टी बोलते हैं पैरामीटर है हमारा, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व बाय पैरामीटर, इसको सॉल्व करो एक्स वाई मिलेगा ना टी के टर्म में, कैसे मिलेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो ए डैश से, इसको मल्टीप्लाई कर दो ए से, कर दो सब्ट्रैक्ट, तो इफ यू सब्ट्रैक्ट ए ए डैश एक्स, ए ए डैश इनटू एक्स, और इधर नीचे जगह ए डैश ए इनटू एक्स को कट जाएगा टाइम, तो ए डैश बी माइनस बी डैश ए इनटू वाई आ जाएगा, वही तुम्हारा चेन रूल है तुम्हारा जो करती है, और यहाँ क्या बचेगा माइनस कॉमन लेते हैं, तो ए डैश डी प्लस ए डैश सी इनटू टी, करेक्ट। अच्छा वे सब्ट्रैक्टिंग, तो ऊपर वाला तो ये लिख दिया, नीचे क्या लिखेंगे, प्लस हो जाएगा ए डी डैश प्लस सी डैश टी, सही लिखा ना, देखो यस सर, यहाँ से जाएगा तुम्हारा ए डी डैश माइनस ए डैश डी इन प्लस ए डैश सी प्लस आई मिस समथिंग ए सी डैश ए सी डैश इनटू टी, करेक्ट। देखो कोई छूट ना जा कुछ, तो यहां से हमारा y मिल गया ना, y कितना मिल गया, a d डैश माइनस a डैश d अपॉन a डैश b माइनस b डैश a प्लस a डैश c प्लस a c डैश अपॉन a डैश b माइनस b डैश a, क्या है सब बकवास, इतना कौन करता है, मैंने एनीवे करते हैं, हम चलो करते हैं, अब दे दिया तो सबको नहीं पड़ेगा, तो ये तो हो गया हमारा y की वैल्यू, y मिल गया हमें, एक्स भी निकल जाएगा किसी एक में डाल दो, yes. तो ए इंटू एक्स, इनफैक्ट अच्छा वही होगा, यही प्रोसेस करते हैं, सेम प्रोसेस करते हैं, बी से मिला करते हैं, तो इसको मिला कर दो बी डैश से, इसको मिला कर दो बी से, और कटा दो इसको, इग्नोर कर दो ये, भूल जाओ, अभी नया वाला करते हैं फ्रेश, तो क्या मिलेगा ए बी डैश प्लस बी बी डैश इंटू वाई इंटू एक्स, है ना, जगह माइनस बी डैश डी माइनस बी डैश सी इंटू टी, ऊपर लगे नीचे लग जाएगा ए डैश बी एक्स प्लस बी बी डैश वाई इक्वल टू माइनस बी डी डैश माइनस बी सी डैश इंटू टी, ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट, ये चला गया, क्या बचेगा ए बी डैश माइनस ए डैश बी इंटू एक्स, और इधर क्या बचा, इधर हो जाएगा हमारा बी डी डैश माइनस बी डैश डी और बी सी डैश माइनस बी डैश सी इंटू टी,
एक्स भी आ गया हमारा बी डी डैश, आंसर तो आ ही जाएगा। देखो आंसर क्या है कि मैथ्स का तो सॉल्व हो ही जाता है, मैथ्स की प्रॉब्लम यही है सॉल्व होता है आराम से। तो दिस एक्स क्या होगा हमारा बी सी डैश माइनस बी डैश इंटू टी, हाँ तो एक्स निकल गया वाई निकल गया हमारा yes. ठीक है। और ये पैरामेट्रिक के क्वेश्चन है, तो पैरामेट्रिक के क्वेश्चन की खास बात क्या होती है कि हम लोग सॉल्व करना जानते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आएगा, तो टी मतलब जेड है राइट, हाँ हाँ वो एक किसी एक को मानेंगे कॉमन होगा, पैरामीटर होता है इसको, पैरामीटर के क्वेश्चन होता है। तो अब ये पूरा टर्म जो है ना, इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ ए वन, इसको लिखते हैं बी वन, इसको लिखते हैं सी वन, इसको लिखते हैं डी वन, या कुछ और नाम देना है क्या, क्या कुछ चलेगा चलेगा नहीं नहीं यही तो क्वेश्चन। तो हमने पैरामीटर से क्या किया, इक्वेशन सॉल्व करना, यानी कि इक्वेशन ये तुम डायरेक्टली ले सकते थे, पता नहीं इतना लंबा हो जाता। तो टी क्या था, कॉमन वेरिएबल था, और हमें करना क्या है, हमें लाइन का क्वेश्चन निकालना है। यस तो वो तो अभी दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक साइड ले लेंगे राइट, यही तो है लाइन का क्वेश्चन। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, अब बेसिकली लाइन पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक साइड लिख लेते ना, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। हां देखो एस एक्स माइनस पी एस इज क्यू वाई माइनस क्यू आर ठीक है। हाँ अब क्यू वाई को वो साइड लेके चले जाते हैं, क्यू वाई इधर लिखा तो माइनस कर देना, एस एक्स माइनस क्यू वाई पी एस माइनस क्यू आर। अब इक्वेशन लाइन मिल गया हमें, अब पॉइंट को सैटिस्फाई करवा के वो फॉर्मूला डाल सकते हैं राइट। हाँ तो डायरेक्टली फॉर्मूला गया ना, तो हाँ तो अगर हाँ तो क्या लिखें, एस एक्स नॉट माइनस क्यू वाई नॉट, ये तो ना फॉर्मूला माइनस पी एस, सब वैल्यूज डाल दो और नीचे जगह अंडर रूट ऑफ, हाँ एस वो एस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हाँ सही बात सही बात। करे कौन सॉल्व इसको, आ तो क्या आंसर, यही तो आंसर। हाँ मैं वो आगे कर लूंगा ठीक है समझ। हाँ और आंसर मैच भी कर रहा है, जो जो टर्म निकाले हम लोग वैसे ही टर्म आ रहा है ठीक है, आगे कर लेना, मतलब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन इतना ये हेक्टिक है कौन करेगा पता है। हाँ चलो पहला करते हैं, ये तो इजी लग रहा है थोड़ा सा। 105 शो दैट द लोकस ऑफ लाइंस व्हिच मीट द लाइंस एट द सेम एंगल इज दिस। अच्छा लोकस ऑफ लाइंस एट द सेम एंगल, ये थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन नहीं लग रहा है, क्वेश्चन का और आधा पार्ट लग रहा है, किसी और क्वेश्चन का कोई और पार्ट है या इसमें थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। सो दैट द लोकस ऑफ लाइंस का डायग्राम था क्या कुछ जश, इसका कोई डायग्राम था क्या 105 का? नहीं इतना ही क्वेश्चन है पक्का? हाँ वही वो एक्चुअली मेरे को भी एक्चुअली मेरे को मैथ सर ने भी बोला कि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। हाँ ये पूरा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता ना, क्वेश्चन में आधी अल्फा क्या है तो मुझे पता ही नहीं अल्फा। यस तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट, इसको हम लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे। हाँ यस है ओके, अभी ये हम लोग वो कर रहे थे फ्लूइड। चलो ठीक है तो एक मिनट, हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाला, टी को उड़ा दिया एक्स वाई, आई थिंक हमने कुछ मिस तो इसमें भी किया है। इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा, अगर ये थ्री डायमेंशन है तो लाइन जो होगा टू डायमेंशन में होना चाहिए ठीक है। नहीं ऐसे हमने सॉल्व किया पूरा सॉल्व हुआ नहीं, कुछ तो गड़बड़ उसमें भी, देखते हैं देखना है मैस्टर क्या बताते हैं ठीक है। क्योंकि हमने सॉल्व किया उसमें जेड टी को तो मैंने मान लिया कि वेरिएबल होगा और होगा भी क्योंकि एक पैरामीटर ही है ओके। और
हाँ ये वेक्टर और मैट्रिक्स का मिक्स क्वेश्चन है, इतना आसान तो नहीं है और इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि दो एक क्वेश्चन का तुम सॉल्व तीन वेरिएबल से नहीं कर सकते। सो इसका एक और मेथड क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? ठीक, चलो देखता हूँ और भी तरीके होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आइडिया है, हो जाना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट करके अगर हमें। अरे हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट इसके लिए सोचे हम, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट सोचते हैं, कोई भी लाइन है, कोई पॉइंट है, तो इसका डिस्टेंस क्या होता है? तो लाइन का किसी पॉइंट, लाइन पे कोई एक पॉइंट मान लो, इससे इसका डिस्टेंस निकालो। मान लो कि अगर ये हमारा पॉइंट है X1 Y1 Z1, कुछ भी नाम देते हैं, और ये पॉइंट हमारे X0 Y0 Z0, और लेकिन वही क्वेश्चन दिक्कत क्या है कि क्वेश्चन का मेन जो मूल मंत्र है कि कहाँ से किसका डिस्टेंस निकालें, लेकिन दोनों का सॉल्यूशन का, यानी कि जो लाइन आएगा इस लाइन का, ये समझ आ रहा है कि इसका सॉल्यूशन वही है कि दो लाइन, दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन होगा और उस लाइन का इससे डिस्टेंस निकालना। लेकिन 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 जो पॉइंट होना चाहिए वो तो कहाँ होना चाहिए? अच्छा हाँ, 3D प्लेन में होगा तो भी हो जाना चाहिए, तो फिर क्या आएगा आंसर? ओके, तो जस्ट अगर हम उसको फॉलो कर दें तो A X0, उसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अच्छा हमारा इक्वेशन क्या आया था, हमारा इक्वेशन क्या आया था बाय द वे? इक्वेशन आया था हमारा X T को टर्म आया था, इसको भी T को टर्म आया था, और हमने क्या करते हैं? हाँ दिस इज क्वेश्चन टेप नहीं, दिस इज क्वेश्चन T आया था ना, टी के कुल था। तो ये जो 3 डायमेंशन हो गया ना, 3D लाइन इन 3D स्पेस हो गया, तो एक लाइन इन 3D स्पेस को मिल जाए, ओके इक्वेशन ऑफ लाइन होना चाहिए। हाँ तो ये तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन ही तो है, इन 3D में लाइन का क्वेश्चन नहीं होता है ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3 डायमेंशन, करेक्ट? 3D में क्वेश्चन तो होता भी नहीं, पैरामेट्रिक ही होता है ऐसा। हाँ ठीक है, पता नहीं इसको क्या करना चाहिए। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। नाम है रोटेटिंग, अब मान लो कि ये एक कंटेनर है, इसको हमने एक एक्सिस ओमेगा से घुमा दिया, बस एक कंटेनर को नहीं घुमाया, बस पानी को घुमा दिया, अब वो कैसे घुमाया वो अलग बात है। तो पानी को, यानी कि हमने पूरा पानी को घुमा रहे हैं, तो घुमाते घुमाते तुम देखोगे कि पानी का जो शेप था हो जाएगा, जो शेप है इट विल टेक बिकम पैराबोलिक, पैराबोलाइड शेप, कि इसका पैराबोला बन जाएगा। अब वो कैसे प्रूफ करेंगे तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं कैसा होगा, लेकिन अगर पहले मान लो कि पानी के लेवल कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा, और ये लाइन ऑफ सिमेट्रिसिटी है, मतलब ऐसे लाइन, मान लो कि ये जो लाइन है कंटेनर को बिल्कुल दो हिस्सों में, यानी कि दो हिस्सों का सेंटर से जा रहा है, सिमेट्रिकल लाइन। जैसे ही रोटेशन चालू होगा,
जो सेंटर का पानी है वो नीचे डिप मारेगा, तो ये जो लेवल है वो नीचे आ जाएगा यहाँ, और जो ये लेवल है एंड वाला ये ऊपर आ जाएगा। तो जो न्यू वाटर सरफेस होगा तुम्हारा कुछ ऐसा होगा। तो वाटर सरफेस मिल गया मैं ऐसा, अच्छी बात है। थोड़ा सा बॉल शेप का जैसे लगेगा। और इंटरेस्टिंग क्या क्या करिए, बिल्कुल सिमेट्रिकल है एक्सिस, तो ये तुम पूरे दावे से कह सकते हो कि अगर ये डिप मानेगा वाई से तो ये ऊपर जाएगा वाई से, तुम कह सकते हो। मैं प्रूफ कर दूंगा बाद में, बट फिलहाल अभी मान लेते ये सही है। तो सेंटर वाला डिप मारेगा और एज से ऊपर जाएगा और एग्जैक्टली सेम जाता है, ये एक अनसेड बात है बट ये है। yes. तो एग्जैक्टली ये कैसे हम प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें और डीप जाना पड़ेगा, और मैं तुम्हें थोड़ा सा डीप मैथमेटिक्स सिखाऊंगा जिससे ये प्रूफ हो जाए। तो मैथमेटिक्स का नाम क्या है कि वॉल्यूम विल बी कंजर्व, ये पानी का शेप कुछ भी हो पानी का वैल्यू तो वही होगा, है कि नहीं। सो द वॉल्यूम विल बी कंजर्व ऑफ द वॉटर, आवाज आ रही है जस्ट? हाँ हाँ। तो कभी ऐसे पानी का वॉल्यूम निकालो क्या जिसका शेप पैराबोलिक हो? नहीं, हाँ थोड़ा मुश्किल रहता, वो इंटीग्रेशन करना पड़ता। हाँ मैं सिखाऊंगा आज, हाँ सीख लोगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका शेप निकालते हैं, तो शेप निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फ्री सरफेस पे, फ्री सरफेस हाँ, एक पार्टिकल बनाएंगे, उसका बनाएंगे एफबीडी। Yes. तो मान लो कि फ्री सरफेस का जो पार्टिकल है वो एक्सिस से कितना दूर है, एक्स, मतलब एक्स दूरी पे है, तो इसका एबीडी का होगा नीचे डीएमजी। yes. और चूंकि ये सर्कुलर मोशन करेगा पार्टिकल अपने सर्कल के हिसाब से, तो इस पे एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके फ्रेम है वाटर के फ्रेम में, कितना डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। yes. अब हमें मालूम है कि फ्री सरफेस का मतलब होता है कि जिसका टेंजेंट का नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो जिस पॉइंट पे हमें इक्वेशन निकालना है उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। yes. इसका एंगल थीटा मान लो फिलहाल, hmm. तो बताओ कि ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो नेट फोर्स अलोंग द टेंजेंट क्या होना चाहिए, जीरो। यस हाँ, तो लिख दो, तो क्या मिलेगा, डीएमजी साइन थीटा इक्वल्स टू डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा, ठीक है, डीएम चला गया, कितना आंसर, टेन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय जी, यानी थीटा क्या है, एक्स का फंक्शन हो गया, जैसे से एक्स यानी जैसे से तुम दूर जाओगे, जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे से स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। yes. और स्लोप क्या है हमारा, स्लोप का जो ग्रोथ है ये लीनियर ग्रोथ है, कि स्लोप क्या है, प्रोपोर्शनल टू एक्स है। हाँ, लीनियर ग्रोथ कहाँ पे होता है, पैराबोला में। यस, क्योंकि क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन लीनियर लीनियर आता है, तो ये डेफिनेटली एक पैराबोलिक पैराबोलिक शेप है। यस हाँ, अब मैथमेटिकली इसको थोड़ा सा इजी आउट करने के लिए हम लोग बॉटम को ओरिजिन मान लेते हैं फिलहाल के लिए। तो अगर हम बॉटम को ओरिजिन मान लेते हैं तो ये थीटा एंगल है, तो हम जानते हैं क्या कि डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी, क्योंकि स्लोप का डिफरेंशिएशन होता है डी वाई डी एक्स, और इसीलिए डी वाई हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय जी इंटू डी एक्स। यस, कर दो इंटीग्रेशन, तो क्या मिलेगा,
जब ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे जीरो मानते हैं, जब हाइट जीरो है तो ये एक्स क्या है, जीरो है, जब ये एक्स है तो ये वाई मान लेते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन आता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अरे एक्स कहाँ बाहर निकल गया, सॉरी सॉरी बिग मिस्टेक। तो यहाँ से क्या ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये फॉर्मूला हो गया, यानी कि पैराबोला तो है ही, कोई डाउट ही इसमें। अब बात होती है कि सर ये टोटल हाइट कितना होगा ये वाला, तो ये निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं सर? तो ये तो तुम निकाल सकते हो किससे, फॉर्मूले से ही निकाल सकते हो, क्योंकि इसका एक्स का है आर रेडियस, मतलब सिलेंडर है। तो जब किनारे पे पहुंचेंगे तो वाई कितना होगा, इसको हम क्या नाम दें? कुछ नाम देते हैं इसको, स्मॉल एच कहते हैं। तो स्मॉल एच क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय टू जी बोल सकते हैं ना इसको, है नहीं? हेलो 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 हेलो, हाँ समझा। तो बेसिकली हाँ, इसीलिए जो टू वाई है, जो टू, इसको वाई के लिए कुछ नाम देते हैं, वाई नॉट कहते हैं ताकि टू वाई नॉट करेगा एच के इक्वल एच। तो अपने ओरिजिनल लेवल से पानी कितना ऊपर चला गया किनारे पे जाकर। हाँ देखो मैं क्या सोच रहा था करने को, पता, अगर हमको एरिया ही चाहिए राइट, वॉल्यूम इक्वेट करना है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ तो अगर हम लोग एक मिनट, हमको किसका एरिया चाहिए, वॉल्यूम चाहिए पूरे पानी का, पानी का वॉल्यूम चाहिए। हाँ तो पानी का पहले इतना वॉल्यूम होगा इतना जो है, और फिर यानी कि ये जो एरिया होगा वो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया के बराबर होना चाहिए राइट? नहीं नहीं नहीं, एरिया से इक्वल नहीं हो पाएगा इसका एरिया क्या, सॉरी वॉल्यूम, इतना एरिया वॉल्यूम। हाँ मतलब कि पानी थ्री डाल इसको सिलेंडर मानो, इट्स लाइक अ सिलेंडर। तो अब यहाँ पे हम जैसे कि पहले वाला क्वेश्चन याद, पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि विड्थ जो था वो यूनिफॉर्म था। यस तो वो भी फाइंड कर, तो मतलब बेसिकली होगा क्या कि हम बताओ जो इनिशियल वॉल्यूम आया ना हमको वो निकाल लेंगे, और फिर इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल, जो बड़ा वाला सिलेंडर है ना उसका वॉल्यूम निकालो, और फिर ये जो पैराबोलिक बन रहा है ना उसका वॉल्यूम निकालो, तो फिर बड़ा माइनस पैराबोलिक करोगे तो ओरिजिनल की इक्वल आना चाहिए राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? हाँ तो वो बड़ा वाला तो निकल जाएगा, वो तो डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर इनटू जो आर प्लस वाई होगा, एच प्लस वाई, कैपिटल एच प्लस वाई होगा। हाँ जो भी है, ठीक है, मेन हमको वो सिलेंडर वाले का इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। जो पैराबोलिक है वो सोचना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ, इजी है, ऐसे करो, इसको मैं अलग से करता हूँ, ठीक है, इधर इसमें कचरा नहीं करना है। तो अपना अलग से एक नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसको कहते हैं हम लोग सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये बीटेक में पढ़ना होता है फर्स्ट ईयर में, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। तो पहले हम कुछ इजी एग्जांपल देते हैं, मान लो कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ गैब्रियल हॉर्न्स, है ना? तो मान लो कि एक हम ऐसे शेप बनाते हैं, कोई भी शेप बना लो, इसका दो हो गया, आधा ही बनाते हैं। अगर इसको हम पूरा थ्री, इस पूरे शेप को, मतलब कि ये शेप है, ये शेप है, अगर इसको हम 360 से करते रोटेट तो ये क्या बन जाएगा, एक थ्री डायमेंशनल बन जाएगा, तो ऐसा कुछ है ना? अगर इसको हम पूरा घुमा दें 360 से इसको, तो ये ऐसा एक शेप ऑक्यूपाई कर लेगा, है कि नहीं? ये पूरा है ना? तो हमें जानना कि ये वॉल्यूम कितना होगा। तो तुम यहाँ पे एक्स पे कट करो डी एक्स,
कर लिए। ये एक क्या है, एक स्ट्रिप है, एक से और ये स्ट्रिप को अगर हम पूरे टू पाई से घुमा दे तो कितना वॉल्यूम, कितना कितना वॉल्यूम होगा ट्रैवर्स, कैन यू गेस? ये dx, तो जब तुम उसको पूरा घुमाओगे तो इट विल मेक अ थिन सिलेंडर ऑफ थिकनेस dx रेडियस y। ये दिख रहा है क्या? मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा और ग्राफिकली। जब तुम इसको घुमाओगे तो ऐसा ऐसे होगा ना, पतला सा थिन सिलेंडर में जो पट्टी है ना, पट्टी ऊपर वाला स्ट्रिप, उसको 360 से घुमा दो एक बार, एक रैप, उसको एक राउंड लगा दो, तो कितना वॉल्यूम शिफ्ट होगा? वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम शिफ्ट, वो बेसिकली इसमें क्या करना पड़ेगा मैं बताऊँ, वो हमको सर्कल का रेडियस बेसिकली उसके अलाव जा रहा है, राइट? मतलब ये एक्सिस, हाँ ये एक मिनट कर दो, ये एक्सिस कौन से घुमाना है? मतलब एक 2D फिगर है, 2D फिगर में एक पतला सा हमने स्ट्रिप किया और उसको मैंने 360 से घुमा दिया अबाउट द बेस, तो कितना वॉल्यूम स्वीप होगा? हाउ मच वॉल्यूम यू स्वीप, कितना तुम ट्रैवर्स कर लोगे वॉल्यूम, ये बताना है। हाँ तो वो तो समझ में आ गया। देखो इसमें मैं बताऊँ क्या करेंगे, क्या ऐसा ये पहले फिगर का निकाल लेते हैं, ये जो आपने ड्रॉ किया ना अभी, एक मैनोटेट करता हूँ, ये वाला जो फिगर है राइट वाला, हाँ इस दोनों का, इसका तो निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके। लेकिन क्यों निकालना, मैं तो बोल रहा कि तुम पहले पतले से स्ट्रिप पे निकालो। नहीं नहीं आप एक बार सुनो ना, ये निकाल लिया ना अगर हम लोग ने और फिर उसको इंटू टू पाई आर कर देंगे ना, नहीं 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 वो तो यूनिफॉर्म थोड़ी है, नहीं ये तो यूनिफॉर्म ही आएगा ना अगर घुमाओगे तो। अरे तो ये कर्वेचर यूनिफॉर्म नहीं है ना, मतलब कि साइज रेडियस आर सेम थोड़ी है, सबका आर अलग है ना, इसका आर अलग है, ये आर अलग है, ये आर अलग है। हां 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 समझ गया, इसे तो हमने एक पतला सा एक पट्टी लिया, स्ट्रिप लिया, तुम्हें ऐसे सोचो, ऐसे सोचना पड़ेगा। हां बता रहा हूं, बता रहा हूं, तुम परेशान हो गए थोड़ा सा। ये जो पार्ट देखा, ये पार्ट इमेजिन करो कि इसको किसी ने घुमा दिया 360 अबाउट बेस, इसको घुमा दो, कितना वॉल्यूम तुम ट्रेवर्स कर लोगे? व्हाट इज द वॉल्यूम स्वेप्ट, वॉल्यूम स्वेप्ट सोचना है, वॉल्यूम स्वेप्ट कितना तुमने वॉल्यूम टच कर दिया, ऐसे सोचो। तो ये घूमेगा तो क्या बनेगा, सिलेंडर ही बनेगा ना, पतला सिलेंडर। जब ये घूमेगा तो क्या बनेगा? पतला सिलेंडर, पतला सिलेंडर। तो इस पतले सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? वो हो जाएगा वाई पाई डी एक्स स्क्वायर, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, डी एक्स, ओके हाँ सही है, सॉरी समझे क्या? हाँ तो हो गया, यही तो मैं बोलना चाह रहा था। ओके ये होता है वॉल्यूम शेप, और जब वॉल्यूम जीरो से उधर तक जाएगा, जहां तक जाना जाएगा, ठीक है, हाँ, exactly और वाई भी तो चेंज करेगा, राइट? तो भाई वाई का फंक्शन देंगे ना, वाई को दे देंगे ए एक्स स्क्वायर, तो डाल देना एग्जैक्टली सेम सिनेरियो तुम्हारा यहाँ पे, यही सिनेरियो यहाँ पे देखो, ये पैराबोला है, ठीक है? अब तुम्हें समय आ रहा होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक यहाँ पे मैं उल्टा ले रहा हूँ, स्ट्रिप यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ, ये स्ट्रिप, तो y पे कट कर लो, तो ये x मान लो, इसको ये y है, x मान लो, ठीक है? जब ये घूमेगा ऐसे तो कितना वॉल्यूम ट्रेवर्स करेगा बता सकते हैं ना, क्योंकि ये y पे जाके कट किया dy में, तो क्या तुम वॉल्यूम बता सकते हो कि इस पतले से सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? बोलो, वॉल्यूम ऑफ दिस थिन सिलेंडर विल बी हाउ मच? ये तुम ऐसे सोचो ना, तुम्हें तुम बस ऐसे सोचो कि भाई पैराबोला जो भी है, ये है जो भी है,
तुम ये सब भूल जाओ, तुम ये सब भूल जाओ, तुम सिंपली ये सोचो कि तुम्हें अगर वॉल्यूम निकालना है सिंपली इसका मतलब, ये सब चीज भूल जाओ, सब कॉन्सेप्ट सब भूल जाओ, सब सिंपल इतना याद रखना बेस्ट, कि अगर तुम्हें केवल वॉल्यूम मैं बोलूं कि भाई इसकी वॉल्यूम कितनी है, किसकी, देखो ये वाला, ये डिस्क बनाते हैं ऐसे है? इसके नीचे एक और बना दो डिस्क, ठीक है चलेगा। और मान लो कि वाई पे कट कर लो तो डी वाई, तो इसका वॉल्यूम तो तुम निकाल सकते हो ना, तो मुश्किल नहीं है। इस डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा? ये तो वो तो डिस्क का वॉल्यूम तो हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, वही तो उसी बोल को रहा हूं मैं, इंटीग्रेट कर देंगे ना। अब एक्स और स्क्वायर, क्या। एक्स को डी वाई के टर्म में लिखो और वाई अपना जो 0 to जा रहा है। देखो वाई क्या था, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g था, यस इसको डी वाई, तो डी वाई कितना रहेगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू 2x dx, यस तो बेसिकली हो जाएगा हमारा डी वाई इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई जी एक्स डी एक्स। यस अब उसको सब्स्टिट्यूट कर दो वहां पे, वेरी गुड, और फिर इंटीग्रेट एक्स को कर देंगे 0 से आर तक, हाँ करेक्ट, वो बेसिकली पाई पाई ओमेगा स्क्वायर बाई जी x³ dx आ जाएगा, करेक्ट, यानी तो हो कि तो क्या हाँ हो गया, सॉल्व हो तो गया वॉल्यूम, अभी। हाँ अभी रुक जाओ, अभी अभी खत्म नहीं होगा, हाँ तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा इसका जी इंटीग्रेशन, जो कि जाएगा पाई कितना, x² r² 4/4। वेरी गुड, हाँ ये हो गया ठीक है। और और अब हाँ हाँ, यानी कि अभी एक बार प्रीवियस पेज करो। अब बताओ क्या लिखना चाहिए। हाँ अब मैं बता, यही पेज पे लिख दो एक बार, पाई आर हाँ स्क्वायर एच कैपिटल एच। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम हाँ पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच इक्वल्स मस्ट टू, बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h+y, कैपिटल h+y हाँ कैपिटल एच प्लस वाई नॉट, और माइनस जो एरिया हम लोग ने निकाला। हाँ बिल्कुल सही बात, कितना है देखो, अब वो एरिया ओहो पीछे, नहीं, अरे ये तो आ गया, ये हाँ रहा ना, आगे, हाँ हाँ कितना पाई पाई, ओमेगा स्क्वायर r² 4/g। इसको तुम्हें याद है मैंने वहां पे लिखा था एच एच का वैल्यू, ये एच कहाँ गया, हाँ y अरे नॉट लिखा है ना हम लोग ने, एच, हाँ ये एच, ये एच, एच ये एच, वो तो 2y0 के ओमेगा, बराबर है। हाँ उन्हें वो तो बाद में प्रूफ करना, तो वो तो मैंने पहले ही किया ना, यही तो प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग, यही यस प्रूफ करना है। तो अगर हम इसको एच लिख दें, स्मॉल एच, ठीक है, तो अपना जो आंसर है, देखो ध्यान से, अपना आंसर क्या है, यही तो है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g, ओमेगा, यस वही प्रूफ हो गया बेसिकली, वो हाँ वाई हाँ बाई टू हाँ वाई बाई टू हाँ फाइव बाई टू हटा देते हैं, इंटू जीरो, यही था ना एच एच, देखो यही है ना कंफर्म, हाँ 2g करेक्ट, हाँ तो ये आंसर पाई आर स्क्वायर एच बाई टू, और यही प्रूफ है कि बिल्कुल आधा वॉल्यूम होता है ना, बिल्कुल जो अंदर का वॉल्यूम आया वो बाहर के वॉल्यूम का आधा आ गया ना पूरा, यानी कि अगर इसको हम यहां पे आ जाए, इधर कहाँ गया, हाँ, तो दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, पूरा दिस माइनस जो हमने निकाला बोला, हमने कितना निकाला, पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एच, यही था ना है? ठीक है जस्ट देख लो, इज इट ओके, यस ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, है तो कितना होता है, ये एच से एच चला गया, तो हाँ वाई नॉट माइनस एच बाई 2 = 0, मैंने प्रूफ कर दिया ना 2y0 होता समझे क्या, यानी कि मुझे मालूम था ये आंसर, लेकिन ये प्रूफ का तरीका अगर देना है तो दे सकते हैं, यानी कि सेंटर से जितना डिप मारता है उतना ही हाँ एज से ऊपर जाता है,
लेकिन ये तब तब ये बात हम बोलेंगे जब हमारा लाइन ऑफ सिमेट्रिसिटी हो, एक्सिस क्या हो, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो लाइन ऑफ सिमेट्रिसिटी भी होना चाहिए, यस इसीलिए। ये सब करने के बाद हम आते हैं अपने पुराने सवाल पे जो हम सॉल्व कर रहे थे। तो अगर पानी का इनिशियल लेवल हमने कुछ माना था, कुछ तो माना ही हो, कुछ तो माना चाहिए भी, अगर हमने इसको कैपिटल एच बोला, ये अगर ये बिफोर रोटेशन है, तो आफ्टर रोटेशन हमें क्या याद रखना चाहिए कि अगर एक्सिस हमारा लाइन ऑफ सिमेट्रिसिटी है तो जितना डिप मारेगा नीचे सेंटर से उतना ही ऊपर जाएगा अपने पुराने लेवल से, समझ गए। और ये बात रेडियस से इंडिपेंडेंट है, आर का कोई वैल्यू इसके लिए ट्रू होगा, समझे। सो वट एवर विद आर, जितना नीचे आएगा उतना ऊपर जाएगा, ये पक्का है। तो अगर आर काफी बड़ा कर देंगे तो ये नीचे कम जाएगा ऊपर भी कम जाएगा, क्या दिक्कत। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा नया सरफेस, पैराबोलिक शेप बनने के बाद ये भी हमें याद रखना चाहिए कि अगर ये वैल्यू एच नॉट कह देते हैं, थोड़ा नाम चेंज करते हैं अच्छा लगेगा, तो ये फ्री सरफेस से कितना ऊपर जाएगा एच नॉट। और चूंकि हमें ये वाला आंसर आता है, क्योंकि तो हमने मैथमेटिकली प्रूफ किया तो अगर ये रेडियस आर है तो हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था हमारा, वाई इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। तो अगर एक्स की जगह आर डालेंगे तो वाई कितना होना चाहिए, 2h0। यस यानी कि एच नॉट की हाँ वैल्यू हमें पहले से मालूम होता है, ये होता है दिस अपॉन 4g, है ठीक। तो ये हो गया सवाल। अच्छा, अगर पानी किसी ट्यूब में डाल देंगे तो ट्यूब में क्या होगा, पानी दिखेगा ट्यूब के पास लेकिन शेप वही रहेगा, मतलब। तो अगर तुमने एक ट्यूब को कर दिया रोटेट, अबाउट द लाइन ऑफ सिमेट्री, उस केस में पानी का जो भी लेवल होगा यहाँ पे और यहाँ पे, अगर यहाँ पे तुम्हें क्या है कि तुम्हें ये चीज तो दिखेगा लेकिन डिप मारेगा, क्योंकि पानी नीचे नीचे जा ही सकता है, लेकिन ये जो फॉर्मूला फॉलो करेगा ये एग्जैक्टली यही फॉर्मूला, ठीक है। अगर पानी का ट्यूब एसिमेट्रिक हो गया, यानी कि एक्सिस को हम शिफ्ट कर दें राइट या लेफ्ट, उस केस में पानी तुम्हें क्या दिखेगा, दोनों वर्टिकल पार्ट में अलग अलग लेवल दिखेगा, समझे क्या, क्योंकि पानी हमेशा डिप कहाँ मारता है, एक्सिस के नीचे, तो अब ऐसे डिप मारेगा। तो ऑब्वियस बात है, तुम्हें पानी कैसे दिखेगा, एक यहां दिखेगा एक यहां दिखेगा, नहीं समझे, समझे क्या हाँ क्या। तो बेसिकली वो शिफ्ट हो गया राइट हाँ, यानी कि सेंटर हमारा यहाँ आ गया, तो हाँ ये वाला जो एंड है ये दूर हो गया ना, यस तो जितना दूर जाओगे उतना हाइट बढ़ेगा। यस तो अगर ये वाला डिस्टेंस हम ए कह दें और ये वाला बी कह दें, तो तो इसका उसके हाइट हम, हाँ प्रोपोर्शनली बढ़ मतलब स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बढ़ेगा हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, समझा। तो वाई वन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2g, जबकि यस वाई टू हो जाएगा हमारा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ए बी स्क्वायर, स्क्वायर बाय 2g बस यही है बेसिक। हाँ लेकिन इसको हम अब एक नए तरीके से पढ़ेंगे, तो हो गया यस बेसिक। नेक्स्ट क्या हमारा तरीका, कि भाई पानी था और हमें पानी को एनालाइज करना है लॉज ऑफ मोशन के थ्रू, पानी का हाइट बढ़ेगा वो सब अलग बात है, हम पानी के अंदर चले आते हैं, डूब जाते हैं अंदर, लाइन पे डूब जाते हैं, और पानी जो है
ये डूब जाता है। हमें वो सब नहीं मतलब है, मतलब कि भाई पानी ओमेगा से घूम रहा है, तो ये समझो कि कैसे मोशन, कैसे हम करते हैं एनालिसिस ऑफ मोशन। तो मानो कि पानी के अंदर एक छोटा सा पानी का हम क्या मानेंगे, सिलेंडर छोटा सा, ओके तो मैंने एक्स पे जाके कट कर लिया डीएक्स, ये एक्स मान लो, ये डीएक्स मान लो, ठीक। और डीएक्स को क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, जस्ट लाइक अ डॉट। लेकिन ये जो हमारा पतला सा छोटा सा सिलेंडर है, ये घूम रहा है गोल गोल सर्कल में, यानी कि इसका मोशन है सर्कुलर। एबीडी के हिसाब से इस पे इधर से लगेगा प्रेशर पी, इधर से पी मानते हैं। अगर एक्स पे माना प्रेशर पी, तो एक्स प्लस डीएक्स पे प्रेशर क्या मानेंगे, पी प्लस डीपी, समझे क्या? नहीं समझे, समझा? तो बेसिकली वो भी घूमेगा राइट साथ में। नेट फोर्स तो सेंटर का होता है, एम ए सी, यस। तो नेट फोर्स अंदर क्या लिखेंगे, एक काम करते इसको आर पे डी आर मान लेते हैं, चलिए सर्कुलर मोशन। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर का रह जाएगा पी प्लस डीपी इनटू एलिमेंट्री पैच एरिया डी ए, जो पतला सा ब्लैक सा दिख रहा है, माइनस पी डी ए इक्वल्स टू डी एम ओमेगा स्क्वायर आर, सिंपल, ठीक है। तो यहां से डी पी, ये डी पी है इंटू डी ए, पी डी ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा डीएम, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, व्हिच इज डी ए इंटू डी आर, यस, ओमेगा स्क्वायर आर, ये चला गया। और इससे मिला हमें बहुत ही बेहतरीन सा फॉर्मूला, और ये बता रहा है कि प्रेशर जो है आर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर ग्रेडियंट वर्सेस अगर हम आर का ग्राफ प्लॉट करें तो ये तो लिनियरली बढ़ते जाएगा भाई, yes। इसका मतलब कि हो ना हो हाइट भी क्या है, बढ़ते जा रहा है, yes। समझे क्या? हाँ। कि उसके ऊपर का पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि अगर स्लोप हमारा कांस्टेंट है, मतलब कि स्लोप हमारा अगर सॉरी लिनियरली वेरी कर रहा है, तो सरफेस का हमारा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिकली वेरी करना चाहिए। स्लोप अगर लीनियर है तो है ना, खैर अब इसको कर दो इंटीग्रेशन। तो डीपी का इंटीग्रेशन रो ओमेगा स्क्वायर आर डीआर, जब R जीरो होगा तो तुम यहां पे हो, यहां पे प्रेशर जीरो नहीं है, P नॉट बोलेंगे, कुछ है वैल्यू पता नहीं कितना, और ये R है तो इसको बोलेंगे P। तो यहां से अगर P माइनस P नॉट इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाय टू, ठीक है, यस सर। तो प्रेशर एक्सिस से दूर जाएंगे तो क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है, यही तो है फॉर्मूला, हाँ। It will always increase. Pressure हमेशा एक्सिस से दूर जाने पे increase होगा। और होना भी चाहिए, क्योंकि पानी को धक्का मारना अंदर की तरफ, सर्कुलर मोशन कराने के लिए नेट फोर्स अंदर होना चाहिए ना। तो नेट फोर्स अंदर कब होगा, नेट फोर्स अंदर कब होगा, जब नेट फोर्स अंदर तब होगा जब बाहर का प्रेशर अंदर से ज्यादा होगा, समझे क्या? हेलो, यस, समझा। तो दीवार के पास का प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा, हाँ, क्योंकि वो तो बहुत दूर एक्सिस है, यस। तो दीवार क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, हाँ। तो अगर मान लो कि हम पानी, मतलब कि किसी एक पिस्टन में डाल दे पानी, उसको जोर से घुमा दे, तो पानी क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा,
है ना, इट विल ट्राई टू गो अवे. तो बहुत ही ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है. इनफैक्ट जो बेसिक सेंट्रीफ्यूज है जो कि हम पैथोलॉजी में यूज करते हैं, जहां पे हम ब्लड सैंपल को इतने जोर से घुमाते हैं, इतने जोर से कि वो सारे कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं, कंपोनेंट्स से लगवाते हैं, और उसको होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. उसको होते हैं सेंट्रीफ्यूज होते हैं, और उसकी आरपीएम होती है लाखों में. यस, तो बहुत ही पावरफुल मशीन होते हैं व्हिच क्रिएट्स ट्रेमेंडस सेंट्रीफ्यूज, और डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और उससे हम लोग ये निकालते हैं कि खून में कितने प्लेटलेट्स हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी है. ठीक, तो प्रेशर वेरी करा, ये हो गया रेडियल डिस्क्रिप्शन. हमने कैसे निकाला, रेडियली निकाला. तो तुम्हें याद हो कि मैं हमेशा एक वर्टिकल निकालता हूँ, एक रेडियली निकालता हूँ, और ये दोनों डिस्क्रिप्शन क्या है, सेम. अब मैं समझाता हूँ कि इसका क्या फायदा होता है, ऐसे डिस्क्रिप्शन का फायदा क्या. तो ये बहुत ही एक्सटेंसिव डिस्क्रिप्शन हो गया, इससे चीजें सिंप्लीफाई होती है. यस, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि पानी डिप मारेगा, तो अब पानी जो है इसके नीचे ही होगा, ऊपर तो होगा नहीं, है ना. तो खैर तुम यहाँ पे ऐसे सोचो कि अगर यहाँ पे पानी नहीं है तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, प्री एटमोस्फेरिक. अब यहाँ पे आ जाओ, कितना नीचे, मतलब कि तुमको यहाँ से लिखाता हूँ नीचे कुछ एच मान, यहाँ प्रेशर क्या जाएगा, ई नॉट प्लस रो जी एच. यस, अब यहाँ से रेडियली ऐसे जाओ इधर आर डिस्टेंस, यहाँ प्रेशर कैसे करेगा, पी नॉट प्लस रो जी एच तो होगा ही, प्लस चूंकि हम रेडियली दूर जाएंगे तो रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू. देख लो यही है ना. यस, हाँ. अब इसके ऊपर जाओ, ये वाई मान ली, ठीक, इसको इसको एक्स कहते हैं, अच्छा लग गया था, इसको एक्स कहते हैं, एक्स पर लिखे ना. अब ऊपर जाओ तो क्या होगा, घटेगा कितना, माइनस रो जी एच प्लस वाई, और दिस मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, पी एटीएम नहीं, इतना सिंपल है, ऐसे घूम फिर कर टाइम पास कर, सैर सपाटा करते हैं, ये समझे क्या. अब तुम ऊपर यहाँ पहुंचोगे तो प्रेशर क्या होगा, वापस से पीएटीएम, यस, बाहर निकल गया, सरफेस के बाहर चले गए. हाँ, तो ये क्वेश्चन ये हुआ ना, नीचे गए, यस, बढ़ा, फिर दूर गए, फिर बढ़ा, फिर ऊपर गए, घट गया, फिर इक्वल. अब सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो. बताओ कितना आंसर, सॉल्व करो. यस, ट्राई कर दो सर, एक ही मिनट में वॉशरूम जाके आ जाऊं. हेलो, हाँ हाँ ठीक है, कर रहा
हेलो। हाँ हाँ वो पेज पे जाओ एक बार। हाँ देखो हाँ यहाँ पे बेसिकली हमको वाई फाइंड करना है, राइट। हाँ हाँ तो मैंने क्या किया, सबको पी नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सही हाँ और फिर वहां पे उसको लेके जाओ, तो ये बेसिकली हमको मिल जाएगा जी एच। करेक्ट। जी एच इक्वल्स टू हाँ एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ क्या मिलेगा। जी एच प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू प्लस क्या होगा। अच्छा प्लस। इधर अच्छा हाँ हाँ इधर मैं उसको, से ये अच्छा अरे हाँ वो भी क्या, ठीक हाँ वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है, सॉरी मेरा हाँ मिस्टेक हाँ है। हाँ लेकिन ऐसा लिख दो, तो फिर ओमेगा हाँ तो स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू जी। मतलब ये वही आंसर है ना जो हम निकाल रहे हैं यस यहाँ यस टेप प्रूफ हो पे। गया, हाँ राइट। तो मतलब एक तो हो गया कि पैराबोला के हमने फ्री सरफेस का यूज किया कॉन्सेप्ट, कि भाई फ्री सरफेस का कोई पॉइंट ले लो उसका नेट फोर्स अलोंग द टेंजेंट जीरो कर दो उसके फ्रेम। यस और दूसरा हमने क्या किया कि हमने बिल्कुल फंडामेंटली प्रेशर एनालिसिस से सॉल्व कर दिया बिना कोई सरफेस के चक्कर के, और उससे सरफेस का फॉर्मूला भी आ गया समझे। तो तुम्हें सीखना क्या है समझा, तुम्हें सीखना यह है कि एक्सिस से दूर जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा रोटेशन में, और पास हो गए तो घटेगा, और वर्टिकली तुम जानते हो अच्छे से। तो अब देखो मैं क्वेश्चन करता कोई सा भी ट्यूब बना लो ठीक है, कोई सा भी ट्यूब बना लो, उसके अपने मर्जी से कहीं भी एक्सिस मान लो, कहीं भी मान लो कोई दिक्कत, ओके और घुमा दो यहाँ पे। मान लो कि ये वाला लेंथ ए मान लो और ये लेंथ बी मान लो ठीक यस मान लिया है। पानी ज्यादा कहाँ होगा, ये तो ऑब्वियस बात है पानी यहाँ ज्यादा होगा। उसका ज्यादा होगा, इस रेशियो में होगा 20/22 के हाइट। हाँ करेक्ट, सो भर दो पानी से थोड़ा सा तो ये जो है इसका हाइट मान लो एच वन मानते हैं, इसका हाइट एच टू मान लेते हैं, तो एच वन एच टू में क्या रिलेशन है निकालना है, सिंपल है डेंसिटी रो मान लो। तो मतलब कि बहुत सिंपल तरीका, एक से एक इसमें एंट्री मारो यहां से निकल जाओ, चलो मारते हैं एंट्री अंदर जाओ, पी ए टी एम प्लस रो जी एच वन नीचे गए तो यहां पहुंच गए हैं ठीक है समझे क्या। हेलो 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 हेलो, हाँ ऊपर से इंटी मारा यस, यहां से निकलेंगे गायब आउट, अंदर गए तो प्रेशर बढ़ेगा, यस, यहां से टुवर्ड्स द एक्सिस जाओ यहां पर ओके, उधर मत जाओ यहां तक एक्सिस तक, ओके, तो जैसे ही ओके, तुम पास जाओगे तो क्या प्रेशर विल डिक्रीज कितना जाएगा, माइनस रो ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर बाई टू। क्यों घटाया हमने, क्योंकि एक्सिस के पास जाते हैं तो घटेगा और दूर जाएगा तो बढ़ेगा। हाँ फॉर्मूला क्या था, ये था रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू यस है ना। अब यहाँ से क्या यहाँ पे आएंगे तो क्या दूर जा रहे हैं तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, पी ए टी एम प्लस रो जी एच वन माइनस रो ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर बाई टू प्लस रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू। यस अब ऊपर जाओ फिर घटेगा, पी ए टी एम प्लस रो जी एच वन माइनस रो ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर बाई टू प्लस रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू माइनस रो जी एच टू, और इक्वल टू क्या जाएगा पी ए टी एम फिर से। तो मैंने हर एक पॉइंट का प्रेशर लिखना सिखा दिया, और रोटेशन में क्या याद रखना होता है कि आपको करीब और दूर जाना है, पास जाओगे तो घटेगा दूर जाओगे तो बढ़ेगा, ऐसे याद रखना। तो कुल का आंसर कितना जाएगा, तो लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लो।
रो जी एच वन, मतलब बेसिकली यू नो द आंसर, बट इफ यू सॉल्व यू गेट द आंसर एच वन माइनस एच टू इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर बाय टू जी इनटू बी माइनस ए, यस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया आंसर, तो ये हाइट का डिफरेंस हो गया। एक मिनट, रो नहीं जाएगा ना, रो तो नहीं जाएगा, रो चला जाएगा दिस मच। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द हाइट डिफरेंस। और तरीका हमारा वही मेंटेन है कि एक एक एंट्री से एंट्री मारो, एक से निकल जाओ बाहर, और जैसे से जा रहे हो वैसे लिखते चले जाओ आंसर, दैट्स इट, ठीक है। तो रोटेटिंग लिक्विड में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि जितना सेंटर से डिप मारता है उतना ही ऊपर जाता है, ठीक। और हमने ट्यूब का भी क्वेश्चन कर लिया, इसमें कुछ पैसा क्या? Yes. मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ और तो नहीं होना चाहिए। बर्नौली क्वेश्चन पढ़ना है, तो बॉयंसी हमारा हो गया था, बॉयंसी बॉयंसी हो गया ना, जश हेलो बोलो कि बॉयंसी हो चुका ना, बॉयंसी अपना, हाँ यस, एक चीज बॉयंसी में एक चीज रह गया था हमारा, मैं भूल ही गया, वो था इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इन अ मल्टीपल लिक्विड, क्या था ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये दो दो लिक्विड में डूबा हुआ है, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस ये बात है कि ऊपर का लिक्विड का डेंसिटी अगर हम मानते हैं रो वन है, नीचे का रो टू मानते हैं, उसका रो मानते हैं, रो वन रो टू रो में क्या रिलेशन होना चाहिए, व्हाट यू थिंक? जश आ रही आवाज मेरी? हाँ, रो रो वन रो टू में क्या रिलेशन है? रो रो वन और रो टू में रो वन प्लस रो टू इज टू रो। अरे नहीं, वो निकालना पड़ेगा एक्चुअली, वो डिफरेंस देखते हैं। तो रो वन रो टू में ये रिलेशन, तो कि इन इक्वलिटी क्या होगा, कौन सबसे बड़ा है इसमें? इसमें बड़ा सबसे ज्यादा रो टू होगा, उसके बाद रो, और सबसे छोटा रो वन,
ऑब्वियस तुम रोहन में ठीक है नहीं है ना कि तुम रोहन से छोटे थे यानी मैं ज्यादा थे इसके नीचे आ गए, लेकिन समझ नीचे गया तुम्हारा मैं। जो है हाँ, तो बताना कि ये कितना होगा। ओके मैं ट्राई करता हूँ एक बार, नहीं हाँ होता है तो हाँ फिर आपको पूछता हूँ। चले।
हेलो देखो इसमें क्या किया मैंने, हेलो हेलो बोलो। हाँ, उसको ए मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया को, हाँ, और तो फिर इसका एमजी कितना हो जाएगा, रो इनटू एएच। हाँ बेसिकली इसको बैलेंस करने के लिए अपना वो लगेगा फोर्स, बॉयंसी। बॉयंट फोर्स। बेसिकली इस सही पे है। बॉयंट फोर्स कितना लग रहा है, रो वन एक्स वन ए जी प्लस हाँ रो टू एक्स टू ए जी। सही है। ए जी यहां से जी कैंसिल अगर आउट हो जाएगा, यानी कि रो एच सही है, गुड। हाँ, और और फिर बाकी तो हाँ एक्स वन प्लस बोल, एक्स टू इक्वल टू एच है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। बस सब हो जाएगा। हाँ तो अगर 3 में हो 3 में भी कर लोगे, 4 में तो 4 में कर लोगे, है ना। यस इशू है तो अगर ओके, ये रह गया था, मुझे लगा कि ये बता देना चाहिए। तो नाउ वी आर गुड टू गो विथ फ्लूइड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स हो गया पूरा। यस तो फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब होता है कि लिक्विड जो है वो मोशन में होगा किसी सरफेस के रिलेटिवली, यानी कि किसी ट्यूब के अंदर मूव कर रहा होगा, है ना, किसी पाइप में मूव कर रहा है, किसी भी नदी में मूव कर रहा है, किसी भी नहर में, कैनाल में मूव कर रहा है। इट मस्ट बी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन ओनली वी से डायनेमिक। ऐसा नहीं कि पानी को तुमने ले लिया बकेट में और लेकर दौड़ जाओ तो उसको डायनेमिक्स नहीं बोलेंगे। चूंकि पानी को अगर हमने रखा बकेट में तो बकेट के फ्रेम में तो वो रेस्ट नहीं है, यानी कि वो डायनेमिक नहीं, स्टैटिक कंडीशन हो गया। तो डायनेमिक के लिए क्या यस जरूरी है कि भाई इट शुड मूव मूविंग होना चाहिए, रिलेटेड टू द सराउंडिंग, जो उसका यस इमीडिएट सराउंडिंग है उसके होना चाहिए। जैसे कि अगर पानी हमारा एक जग में है तो वो स्टैटिक है, लेकिन पानी को तुमने इफ यू पोरिंग इन टू अ ग्लास देन इन दैट मोमेंट इट इज इन डायनेमिक। तो ये डायनेमिक और स्टैटिक में खास बात क्या है, इन डिफरेंसेस क्या समझते हैं हम। डायनेमिक क्रिएट्स एडिशनल प्रेशर डिफरेंस, यानी कि डायनेमिक क्या है कि बाय वर्चू ऑफ मोशन देयर इज अ वेरिएशन ऑफ प्रेशर व्हिच इज ऑब्जर्व। ना स्टैटिक विल हैव इट्स ओन प्रेशर बट डायनेमिक विल एड ऑन टू समथिंग मोर देन व्हाट इज स्टैटिक इज ऑलरेडी हैविंग। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर ऑफ डायनेमिक्स। और इसमें हमें कुछ फ्लो के बारे में पढ़ना है, व्हाट इज फ्लो, व्हाट इज लैमिनार यस फ्लो, व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो, और या बोलते हैं हम लोग आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड क्या होता है, व्हाट इज आइडियल लिक्विड। सो एन इनकॉम्प्रेसिबल, यानी कि जिसको तुम कंप्रेस नहीं कर सकते, एन इनकॉम्प्रेसिबल इनविसिड CID, इनविसिड मतलब जिसकी विस्कोसिटी जीरो है, नहीं जो चिपचिपा नहीं है, ऐसे मान लो जो चिपचिपा नहीं है। तो हमारे चैप्टर में क्या है कि हम ऐसे लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल भी क्या हो, कंप्रेसिबल नहीं हो और इनविसिड हो। ऐसे लिक्विड कहते हैं, लिक्विड इज कॉल्ड आइडियल लिक्विड। फिर हमें आना चाहिए कॉन्सेप्ट फ्लूड पार्टिकल क्या होता है। फ्लूड मतलब कि लिक्विड या गैस, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूड, है ना। तो डेफिनेशन हमें मालूम होनी चाहिए। सो एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूड। एंड देयर फॉर द लिक्विड एंड गैस टूगेदर वी कॉल्ड फ्लूड। तो यानी कि फ्लूड का मतलब लिक्विड होता है, गैस भी होता है, एयर भी यस होता है, जो भी फ्लो कर सकता है। लेकिन फ्लूड पार्टिकल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो H2O तो होता है, हम मॉलिक्यूल कहते हैं इसको, हाँ पार्टिकल नहीं कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। फ्लूड का पार्टिकल क्या है कि इट इज द टाइनिएस्ट वॉल्यूम यू कैन इमेजिन,
इनके हाइपोथेटिकली समझना है, एंड दिस टाइनिस्ट वॉल्यूम विच इज एज स्मॉल एज नथिंग बट स्टिल हैविंग अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, अगर तुम इसको देखोगे तो ये डॉट क्या है, ये H2 मॉलिक्यूल है, और कितने हैं, इनफाइनाइट। ये वॉल्यूम बहुत ही छोटा है लेकिन उस छोटे वॉल्यूम में इतने सारे H2O मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि फ्लूड क्या है, एक स्टेट ऑफ मैटर है, और किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन करने के लिए वी नीड कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। इनके हम अकेले अगर बोले कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ H2O मॉलिक्यूल, क्या बोलेंगे, क्या वो सॉलिड लिक्विड गैस क्या है वो, H2O मतलब अभी वो तो डिपेंड करता है, राइट? हेलो, सॉलिड लिक्विड गैस, आपका आवाज गया सर, एक मिनट, आपने आई थिंक माइक्रोफोन निकाल के डाला कुछ, अभी अभी, अभी आया, हाँ अभी आ रहा, हाँ तो मैं बोला कि ये क्या है बेसिकली, H2O बेसिकली फ्लूइड होता है, हाँ H2O फ्लूइड होता है क्या, आर यू श्योर, H2O भी मैं बोल रहा हूँ ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, राइट? नहीं नहीं, H2O क्या होता है, H2O वाटर, अरे नहीं H2O वाटर नहीं होता भाई, अच्छा मॉलिक्यूल होता है वैसे, हाँ H2O मॉलिक्यूल है, उससे उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, यस अंडरस्टूड, पानी पानी जो है कलेक्शन है ऐसे मॉलिक्यूल्स का, तो अगर मुझे ये कहना कि भाई कलेक्शन, तो कम से कम कितना कलेक्शनों के पानी बोलेंगे, कुछ तो होना चाहिए ना रूल के भाई, क्या 10 H2O को हम पानी बोल सकते हैं क्या, यानी कि हम ये कहते हैं कि जिसका मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन हो सके, मिनिमम वो साइज विच कैन बी ऑब्जर्व्ड मैक्रोस्कोपिकली इज कॉल्ड फ्लूइड पार्टिकल। तो फ्लूइड पार्टिकल क्या है, तो हम माइक्रोस्कोपिकली नहीं जाएंगे, हम मैक्रो दुनिया में आते हैं, यानी कि हमारे अपने लेवल पे इतने सारे मॉलिक्यूल जरूर होना चाहिए कि हम उसको एक पार्टिकल का डिजिग्नेशन दे सके। मान लो कि आपको बोले कि फैमिली क्या है, तो अगर क्या एक सिंगल इंसान फैमिली हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो फैमिली में कम से कम दो लोग तो होने चाहिए ना, है ना, एवरी इंडिविजुअल इज ए इंडिविजुअल बट फैमिली इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, so to be called a family there must be some minimum set of numbers, ठीक है, so H2O is a molecule but that is not a fluid, fluid is a collection of such molecule, and when we say fluid then we talk about the the way the individual particle will move within that fluid volume, so fluid ki ek khas baat kya hoti hai ki fluid always having the two separate characteristic, one is called the intrinsic characteristic and other is called the extrinsic characteristic. Now what is intrinsic in nature? Intrinsic is simple, that every elementary volume which you can consider will have its own chaotic motion of the H2O molecule itself, if I talk about the water, for other liquids some other molecule for sure. So every individual molecule will behave in a chaotic manner, and now there is a difference between the chaotic and randomness. Chaotic is something which is mathematically governed. Because of this chaotic movement, they create a very homogeneous mixture within that elementary body. But the liquid particle as a whole will have some extrinsic presence. So it means it will have its own behavior well defined. And it is not chaotic as the individual particle. So the molecule is not chaotic. Molecule is like very much confined. It's like a balloon mein pani bhar do. Aur balloon ko fek do. To balloon ka jo path hai, parabolic path hoga, ek sundar sa path hoga, ek smooth path hoga. लेकिन बलून के अंदर पानी है, पानी के अंदर H2O मॉलिक्यूल है, उनका एक अपना chaotic मूवमेंट होता है. क्या उस chaotic मूवमेंट से बलून को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता. अरे आवाज जस्ट, हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, तो तुमने सुना है बोला बलून वाला यहाँ पर, सुना बलून वाला यहाँ पर, हाँ क्या बोला बलून वाले यहाँ पर, बलून में मतलब वो जब फ्लूइड रहता है, फ्लूइड क्या मतलब एयर रहता है, वो एक्चुअली प्रेशर वाला रहता है, राइट?
हेलो हाँ बलून के अंदर जो फ्लूड होता है उसका मूवमेंट क्या है? उसका मूवमेंट केओटिक मूवमेंट है, एक रैंडमनेस, ये वो मतलब रैंडमली हिट करता रहता आगे पीछे, लेकिन बलून एज अ होल तो एक स्मूथ ट्रांजिशन है ना। यस, तो अगर हमने बलून में पानी भर के फेंक दिया तो क्या पानी का जो बलून का एज अ होल जो पाथ है वो क्या वेल डिफाइंड है? हाँ हाँ बलून का एज अ होल देखो तो यस यस एज अ वेल डिफाइंड पाथ है। एग्जैक्टली वही हम सीखने जा रहे हैं कि पानी के अंदर लिक्विड पार्टिकल या गैस के अंदर गैस पार्टिकल, इन जनरल फ्लूड पार्टिकल एक सिस्टम ऑफ खुद एक कलेक्शन है। तो फ्लूड पार्टिकल एक कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है और इसका अपना वेल डिफाइंड बिहेवियर होता है और इस बिहेवियर को हमें पढ़ना है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो हमें चीज समझना है वो है फ्लूड पार्टिकल, कि भाई हम पूरे लिक्विड को एज अ होल नहीं पढ़ सकते हैं, हम क्या पढ़ते हैं तो एक फ्लूड पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। यस, फ्लूड पार्टिकल का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होता है पानी के अंदर या गैस के अंदर जैसा कि चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यस, सेम बिहेवियर, जिस तरह से फील्ड जो है चार्ज को पुश करता है एक डायरेक्शन में, फोर्स लगाता है उसको जाने के लिए बोलता है, उसी प्रकार से जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड करता है चार्ज के साथ वही काम प्रेशर डिफरेंस करता है इन फ्लूड पार्टिकल के साथ। यानी कि ये फ्लूड पार्टिकल प्रेशर वाले फील्ड में, इसको बोलते हैं प्रेशर फील्ड में दे आर बीइंग पुश्ड, और बहुत सिंपल तरीका है हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये पुश होते हैं, सिंपल है। लेकिन अगर लिक्विड में कोई बबल इज इक्वलेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो अगर लिक्विड जाता है हाई से लो तो बबल कैसे आएगा? लो से हाई। यस, यानी कि लिक्विड का फ्लो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो बबल का फ्लो हमेशा करता है लो प्रेशर से हाई प्रेशर। समझे क्या? यस सर। तो दे मूव इन अ डिफरेंट वे, है ना। तो ये हम जानते हैं कि भाई ये मोशन होता है हमारा। तो कुल मिलाकर हमें समझना क्या है कि फ्लूड पार्टिकल क्या है, ये एक हमारा बेसिस बने कि हम फ्लूड पार्टिकल को एक अपना हाइपोथेसिस बनाएंगे, एक हम अपना एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे कि भाई ये हमारा दुनिया है, इसके ऊपर हम सारी एनालिसिस करेंगे। किसके ऊपर? फ्लूड पार्टिकल के ऊपर। और फ्लूड पार्टिकल H2O या H2 या O2 या N2 गैस नहीं या लिक्विड नहीं होता है, ये कलेक्शन होता है, ठीक है? यस, यानी कि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल को एक साथ कलेक्ट करके और उसके बाद भी इसका साइज क्या मानेंगे? जीरो मानेंगे, क्योंकि ये पार्टिकल है। यस, तो अब ये पार्टिकल है तो इसका अपना एक वेल डिफाइंड क्या होना चाहिए? अपना एक पाथ होना चाहिए, बात होना चाहिए। हाँ, तो अगर एक लिक्विड के अंदर या एक गैस के अंदर अगर सारे गैस पार्टिकल या सारे लिक्विड पार्टिकल अगर अपने अपने वेल डिफाइंड पाथ पे टिके रहते हैं और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, तो ऐसे फ्लो को हम कहते हैं लैमिनार फ्लो। ओके, इसका एग्जांपल क्या है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, घर में तो देखो तुम्हें अक्सर मिलेगा एग्जांपल। तो जब भी पूजा के लिए हम जलाते हैं अगरबत्ती यानी कि फ्रेग्रेंस स्टिक, यस, जब भी जैसे ही तुम उसको जलाओगे और उसकी तुम उसकी लाइट को ऑफ करोगे यानी कि उसके फ्लेम को ऑफ करोगे, यू सी अ स्मोक राइजिंग। यस, इफ यू लुक क्लोजली द स्मोक इज अ कलेक्शन ऑफ स्मोक पार्टिकल्स। करेक्ट, नाउ बिकॉज द स्मोक इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, दे आर मूविंग अप विद सम लैमिनार फ्लो, क्योंकि देखो देयर इज नो केओटिक मोशन, बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन होता है। यस, now why the tension is smooth, because every particle is not disturbing others path. So it means everyone is trying to maintain their own path, and if one is changing, the other is also changing the path in such a way that no one is intersecting each other's path, and therefore the path is completely smooth transition. Yes, lekin upar ja, the moment you go very up in the air you can see the chaotic motion begins. Okay,
So at higher altitude, when the smoke will rise, it will begin the chaotic motion. Now all the smoke will be mixing together. That is called the turbulent motion. Okay. So the laminar motion is a motion of a liquid particle or gas particle or any particle. Like smoke is a very nice example of collection of a solid particle. Solid particles, huh? Because smoke is a some sort of solid object only. But they are very tiny, tiny nature, and they are so lightweight that it is being carried by the air itself. So smoke itself is giving you both examples at the same time. You can see the laminar flow in the very beginning, but as it goes up, the chaotic motion begins, and then you got what you see is called the turbulent flow. So what is turbulent? That when you intersect the path. Yes. Okay. So now the question is, how this is possible? How like liquid knows that it has to move in this path and it has to move in this path and without disturbing other's path, without intercepting other's path? Like how exactly this memory is being created in nature? How nature creates this memory? कि भाई जो भी बंदा आएगा पीछे से उसको इधर से ही जाना है. Because the particles are not like human beings, they can see and walk, है ना? भाई ये तो आदमी तो है नहीं कि देखेगा और चलेगा. आ रही आवाज? हाँ सर आ रही है. हाँ तो कैसे मालूम चलता है इस लिक्विड पार्टिकल को या गैस पार्टिकल को भी मुझे ऐसे चलना है कि डिस्टर्ब नहीं करना? ये कैसे मालूम चलता है? ये एक क्वेश्चन होता है. ओके आंसर बहुत सिंपल है कि ये पूरा का पूरा जो मालूम चलता है होता है विद द क्रिएशन ऑफ प्रेशर फील्ड. ओके मतलब प्रेशर हाई टू लो जाता है, राइट? वो तो प्रेशर का अपना खुद का एक पाथ होता है. प्रेशर का अपना एक फील्ड होता है. और हम इसको ऐसे समझाते हैं कि यू कैन इमेजिन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज अ नॉट वेलोसिटी इनफैक्ट अज्यूम वेलोसिटी एज अ फील्ड. ओके तो वेलोसिटी को फील्ड मानो और पार्टिकल क्या करता है कि उस वेलोसिटी के फील्ड को फॉलो करता है. समझे क्या? हाँ. तो वेलोसिटी एक फील्ड है एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन समथिंग कॉल्ड वेलोसिटी फील्ड. तो किसी भी मान लो कि कोई ट्यूब है, मान लो कि कोई मतलब ऐसा बनाते हैं ट्यूब बनाते हैं रैंडम शेप का. ये मान लो ट्यूब है, इसके अंदर कुछ लिक्विड फ्लो कर रहा है और जो लिक्विड है वो एक वेलोसिटी फील्ड बना रहा है. इस फील्ड को हम स्ट्रीम लाइंस कहते हैं. क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइंस. नाम क्या है? स्ट्रीम. और ये बिल्कुल वैसा ही जैसे होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. समझे क्या? यस सर. तुम जो देख रहे हो यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है ये बड़े बड़े थिक लाइंस, इसको होते हैं स्ट्रीम ट्यूब कहते हैं. यस. इसको ज़ूम करो. हाँ तो वो एक ट्यूब जैसा हो जाएगा. हाँ वो समझ गया मैं. ये लाइन होता है, लाइन होता है. ओके
और हर स्ट्रीम ट्यूब में होता है स्ट्रीम लाइंस। यस। और ये जो स्ट्रीम लाइंस है ये बताते हैं कि भाई आपको इस रास्ते पे चलना है, किसको? फ्लूड पार्टिकल को। और चलना है कैसे, तो इसमें लगा होता है क्या स्पीड लिमिट, मतलब कि हर पॉइंट का क्या है अपना अपना पहले से डिफाइन वेलोसिटी है कि यहां वाले पार्टिकल का वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकंड होगा और इधर होगा यहां वाले का, यानी कि इस पूरे वॉल्यूम में हर एक पॉइंट का क्या है वेल डिफाइंड वेलोसिटी है, क्या है वेलोसिटी। तो यहां पे वेलोसिटी किसका प्रॉपर्टी है, पार्टिकल का कि स्पेस का? ये स्पेस का प्रॉपर्टी हो गया ना। एग्जैक्टली, ये प्रॉपर्टी स्पेस का, यानी कि यस इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टिकल हो गया ना। हां, यानी कि कोई भी जाएगा उसको ऐसे ही जाना है। यस, कोई ऑप्शन नहीं है, पार्टिकल ऑप्शन नहीं है। एवरी पार्टिकल क्रॉसिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट मस्ट हैव दैट वेलोसिटी व्हिच इज यस इट इज डेजिग्नेटेड। यस, अंडरस्टैंड। That is the beauty of streamlines, that it creates a velocity field. और दुनिया में जहां जहां फील्ड है वहां वहां क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो जब हम फील्ड होता है तो फील्ड का हम इसका what we define is flux. तो क्या लिक्विड का भी फ्लक्स होता है क्या? तो आंसर है हाँ होता है, इसको हम कहते हैं फ्लक्स, यानी कि लिक्विड में फ्लक्स में हम क्यों फ्लक्स बोलते हैं। जैसे कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, मैग्नेटिज्म में जाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोलोगे, लेकिन लिक्विड में केवल या फ्लूड में हम केवल फ्लक्स वर्ड यूज करते हैं और इसको होते हैं वेलोसिटी फ्लक्स। क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लक्स किसका होता है? फील्ड का होता है ना। यस है, इसलिए। और जो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, फील्ड डॉट डी ए, याद करो ई डॉट डी ए था इलेक्ट्रिक का, बी डॉट डी ए था मैग्नेटिक का। तो भाई अगर इस सबका डिफिनेशन में डॉट लेना है तो यहां भी तो डॉट ही लगा ना, और एग्जैक्टली इसी को हम कहते हैं बाद में जाकर लेटर ऑन दिस इज बिकम्स कैपिटल क्यू, यानी डिस्चार्ज रेट कहते हैं इसको। हालांकि डिस्चार्ज हमेशा ओपनिंग से होता है, बट फ्लक्स की एक अच्छी बात क्या है कि जो फ्लक्स यहां से क्रॉस करेगा उतना ही फ्लक्स यहां से निकलेगा, उतना ही फ्लक्स यहां से निकलेगा, क्योंकि फ्लक्स कंजर्व है, क्योंकि तुम एक्स्ट्रा फ्लक्स तो बनाओगे नहीं। अगर तीन लाइन दिख रहा है तो बाहर तीन ही लाइन निकलेगा, छह निकलेगा, तीन निकलेगा, नहीं समझे? अगर मैंने ट्यूब के अंदर, हाँ, अगर ट्यूब के अंदर मैंने तीन लाइन रोक है तो बाहर कितना भी फैल जाए निकलेगा तीन ही लाइन, यानी कि फ्लक्स जो है वो कंजर्व होता है, लेकिन वेलोसिटी और एरिया का जो प्रोडक्ट है वो कंजर्व है, लेकिन वी कंजर्व नहीं है, ए कंजर्व नहीं है, एरिया बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, समझे? और इसी कंजर्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स पे बेस्ड है। और अगर बोलता है कि भाई अगर एक बड़े से ट्यूब से अगर बहुत सारे छोटे से ट्यूब्स बन रहे हैं, yes. तो छोटे ट्यूब का वेलोसिटी बढ़ जाएगा ना। हाँ, यानी कि नहीं, मतलब जो प्रोडक्ट होगा यानी कि जो नेट फ्लक्स आ रहा है कितना आ रहा है, इनकमिंग फ्लक्स कितना है, हाँ, ए बी, ए बी मान लो, और इसका एरिया मान लो ए वन है, इसका एरिया ए टू मान लो, इसका एरिया ए थ्री मान लो, तो सबका टोटल सेम होना चाहिए। तो फ्लक्स कंजर्व करना है, यानी वेलोसिटी, हां, बेसिकली ए वी मस्ट बी इक्वल टू ए वन वी वन मस्ट बी इक्वल टू ए टू वी टू मस्ट बी इक्वल टू ए थ्री वी थ्री, राइट? नहीं, गलती कर दी, सॉरी, तीनों को ऐड करके उसके इक्वल होना चाहिए। हां, करेक्ट, इन ए वन वी वन प्लस और जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Yes. तो किसी भी जगह पे मास एक्युमुलेट नहीं होता है, क्योंकि हमने ये माना है कि हमारा जो आइडियल लिक्विड क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल है और इनविसिड है, यानी कि तुम उसको दबा नहीं सकते, yes. यानी कि जितने वॉल्यूम में पहले था उतना ही रहेगा, तुम बढ़ाओगे अगर दबाओगे तो ही बढ़ेगा ना,
तो अगर लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है तो जो भी नया लिक्विड आएगा वो पुराने लिक्विड को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, समझे क्या? तो ए वी का जो वैल्यू है वो ए वन वी वन ए टू वी टू ए थ्री वी थ्री के सम के इक्वल हो जाएगा, एंड इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं कि भाई ये मास के कॉन्सिक्वेंस कंजर्वेशन कॉन्सिक्वेंस है, बट क्या ये हमेशा वैलिड है? तो कब वैलिड नहीं है बताओ, ये वैलिड कब नहीं होगा? जब लिक्विड आइडियल नहीं होगा। यस, क्योंकि आइडियल लिक्विड को ही हम कंप्रेस नहीं कर सकते, बाकी अगर नॉन आइडियल लिक्विड है तो कंप्रेस हो जाएगा, हो जाएगा। यस, प्रैक्टिकल लाइफ में लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी ऑब्वियस बात है बहुत ही माइनर होती, होती है। हाँ, लेकिन होती है, होती है, लेकिन ठीक है, हमारे किसी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हमें इसके लिए परेशान नहीं होना है। गैस के केस में प्रेशर जो कंप्रेसिबल हाईली कंप्रेसिबल होता, तो वहां पे इशू आ सकती है, यानी कि गैस के कॉन्टेक्स्ट में हमें हाँ मतलब फ्लूइड में इसलिए दो पार्ट हो जाएगा ना, जो नॉन आइडियल फ्लूइड है वो बेसिकली लिक्विड होता है, हाँ, और नॉन आइडियल गैसेस हो जाएंगे, और मतलब जो इनफैक्ट क्या है कि ऑर्गेनिक लिक्विड्स होते हैं वो नॉन आइडियल होते हैं मोस्टली, क्योंकि ऑर्गेनिक लिक्विड्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि दे कैन मेक द चेन बॉन्डिंग, उनका डिफॉर्मेशन होता है, बिकॉज दे कैन अंडरगो द स्ट्रक्चरल चेंजेस इजिली, देयरफॉर द ऑर्गेनिक फ्लूइड्स आर नॉट आइडियल मोस्टली। और ये एक ऐसा से ब्लेसिंग इन डिसगाइज, जो कि ऑर्गेनिक फ्लूइड की एक अच्छी बात क्या है कि वी कैन क्रिएट द ऑर्गेनिक फ्लूइड ऑफ डिजायर्ड विस्कोसिटी एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी, और दैट इज वेरी मच हेल्पफुल इन द मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, है ना, कि हम मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट, खैर वो अपनी बात है। आगे तो कंटिन्यूटी क्वेश्चन में आ गया, स्ट्रीम लाइन से आ गया, स्ट्रीम लाइन क्या होता है ना? और इनफैक्ट तुमने एक नई चीज देखा कि दुनिया में फ्लक्स केवल ई का नहीं होता है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैं तुम्हें फ्लक्स देखता हूँ, फ्लक्स ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और क्या होता है, वेलोसिटी फ्लक्स, और क्या होता है, सुना है, और उसके बाद ग्रेविटेशनल फ्लक्स, Okay. और कौन सा, मैग्नेटिक होता है, इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिक होता है, अब होता है तो सिर्फ मैग्नेटिक का ही सुना, मतलब ये भी फ्लक्स है, जे डॉट डी, ये कौन सा, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ओके, और भी कुछ याद है, और कहीं होता है फ्लक्स नहीं? हाँ, मैं हिसाब से नहीं कहते हैं, और बेसिकली ये इसलिए होता है कि J का खुद का डेफिनेशन होता है सिग्मा इनटू E, इसलिए J डॉट डी ए खुद क्या होता है, सिग्मा E डॉट डी ए, और इसको होता है इंटीग्रेशन, और J डॉट डी ए को ही हम करंट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड करंट, और ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल, ये फॉर्मूला देखा है कभी करंट का? हाँ हाँ, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट में, ये फॉर्मूला काफी यूज किया है। यस, तो करंट का भी फॉर्मूला होता है, और ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये क्या हमारा, यही तुम्हारा डिस्चार्ज है, ये ग्रेविटेशनल फ्लक्स है, ये करंट का डेफिनेशन होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, तो इतने सारे फ्लक्स है फिजिक्स में, तो हमें तो लगा कि दो ही फ्लक्स है, कितने सारे फ्लक्स है, बहुत सारे फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स एक कॉन्सेप्ट है, और ये फ्लक्स जो है पूरे फिजिक्स में एज अ मैथमेटिकल सब्स्टिट्यूट लाया गया था, यानी कि जो हमारे महान गॉस सर थे कार्ल फ्रेडरिच गॉस, एंड दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ मैथमेटिशियन, खानदानी लोग हैं मैथ्स फिजिक्स वाले, मतलब तो साइंस वाले लोग हैं। हाँ, तो गॉस ने एक नेचर में देखा एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एंड ही थॉट ऑफ कि चलो भाई क्यों ना फ्लक्स एक हाइपोथेटिकल एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन लेके आते हैं, बिकॉज इट विल सिंप्लीफाई वेरियस एक्सप्लेनेशन,
तो फ्लक्स जो है एक मैथमेटिकल टूल की तरह लाया गया था, ये एक मैथमेटिकल टूल ही है इसकी, जो कि हमें एक ऑल्टरनेटिव देता है मेथड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसलिए इसको हम एक टूल की तरह यूज करते हैं। और डेफिनेशन इसको हम कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं, तो अगर हमें कुछ ऐसा चीज फ्यूचर में मिल जाए जो कि इस तरह का बिहेवियर को रिप्रेजेंट करे, तो हम लोग उसको फ्लक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो बेसिक कोर आइडिया है फ्लक्स का वो है फील्ड का, जो एक नोशन है, अगर हम कहीं भी फील्ड जैसी कोई चीज डिस्क्राइब कर सकते हैं तो वहां पर फ्लक्स डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो लैमिना फ्लो में एग्जैक्टली यही हुआ था कि पूरे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में, या जहां बिल्कुल जिस वॉल्यूम से गुजर रहा है, पास कर रहा है, वहां पे वेलोसिटी जो है वो स्पेस की प्रॉपर्टी हो गई, और जो फ्लूड पार्टिकल है हमारे वो उस स्पेस की प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इट इज लाइक ए स्टेट, और चूंकि ये स्टेट डिस्क्रीट नाम के कंटिन्यूअस स्टेट है, इसलिए इसको फील्ड बोला गया है ना। यस हाँ, तो फील्ड का बोलते हैं, फील्ड भी एक तरीका है बोलने का। दुनिया में जो चीजें मैक्रो वर्ल्ड में कंटिन्यूअस दिखता है उसको हम फील्ड बोलते हैं, और अगर इसको तुम अगर माइक्रो दुनिया में देखो तो वहां पर डिस्क्रीटनेस आती है, और डिस्क्रीट चीजों का हम फ्लक्स डिफाइन नहीं कर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, डिस्क्रीट का भी कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूटी का एक तरह का मीनिंग है कि भाई मैक्रो दुनिया में हर एक फील्ड जो है वो मोटा मोटे फील्ड कॉन्टिन्यूस होता है, फ्लक्स जो है सबके लिए कंटिन्यूस के लिए या नॉन कंटिन्यूस के लिए, लेकिन फील्ड हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जहां भी दुनिया में कंटिन्यूटी है किसी भी चीज का, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंटिन्यूटी है, मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूटी है, वेलोसिटी का कंटिन्यूटी है, ग्रेविटेशन फील्ड का कंटिन्यूटी है, करंट डेंसिटी का कंटिन्यूटी है, ये सब फ्लक्स के एक नॉर्मल एक रैपर में आते हैं। एंड इसको हम चैप्टर में बांट दिए कि भाई चलो भाई ग्रेविटेशन वाले बच्चों के लिए ग्रेविटेशनल फ्लक्स बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में चले गए तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल दिया, ये सब टाइम पास है। यानी कि फिजिक्स में ये सब एक मैथमेटिकल चालाकी है जिसको तुम्हें यूज करना आना चाहिए ताकि तुम क्वेश्चन को ऑल्टरनेटिवली सॉल्व कर लो। इसीलिए जब भी कोई क्वेश्चन तुम्हें आंसर करना है थियोरेटिकली, तुम कूलम्स लॉ से पूछो तो सही आंसर मिल जाएगा, तुम गॉस से पूछोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। गॉस लॉ मैथमेटिकल टूल है, और टूल कब सही अप्लाई होगा कब नहीं होगा तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन कूलम्स लॉ हमेशा सही होता है। K Q1 Q2 R2 बस, लाइक चार्ज रिपेल अनलाइक चार्ज अटैक, बस यही यही सच्चाई यही है, समझे। तो इसी सच्चाई को हमें एक्सेप्ट करना है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इस तरह के इंटर डिपेंडेंट फॉर्मूले को इस तरह सीखेंगे। यानी कि जब मैं तुम्हें करंट पढ़ाऊंगा चैप्टर, करंट चैप्टर, तो वहां पर तुम देखोगे कि करंट चैप्टर का एक अलग ही डायमेंशन है जो तुमने देखा भी नहीं होगा, तो वो हम डायमेंशन सीखेंगे पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही अलग है, और टिपिकल जो तुमने अभी तक सीखा होगा वो उससे काफी अलग होगा। तो ये था हमारा फ्लक्स की दुनिया। फ्लक्स हाँ। की दुनिया से क्या आता है, फ्लक्स आता है कहाँ, कंटिन्यूस वर्ल्ड के लिए, और यहाँ पे हम पानी या गैस यानी कि लिक्विड या गैस की कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम वेलोसिटी फ्लक्स बना लेते हैं, और होता है डेफिनेशन वी डॉट। ठीक है, यस सर। तो अगर एरिया हमारा हमारा फ्लैट एरिया है तो हम वहां पे लिख देते हैं इसको ए वी कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर लिया, वी बाहर निकाल दिया, तो ये सब हम कर लेते हैं। ठीक है, खैर ये हो गया एडवांस हो गया, आगे बढ़ते हैं। लैमिनार से मैं क्या लैमिनार फ्लो कहता है, लैमिनार कहता है कि इसमें कोई भी स्ट्रीम लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। अब जिस तरह से हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि भाई अगर दो लाइंस ऑफ फोर्स काफी करीब है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, यही बोलते हैं। और लाइंस ऑफ फोर्स अगर दूर जा रहे हैं तो फील्ड क्या होगा हमारा, कमजोर होगा। तो क्लोजर द लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रांगर द फील्ड, एंड फार्दर द लाइंस ऑफ फोर्स वीकर द फील्ड। उसी प्रकार से क्लोजर द स्ट्रीम लाइन हायर द वेलोसिटी, एंड फार्दर द स्ट्रीम लाइन स्मॉलर द वेलोसिटी, सिंपल है, एक ही कॉन्सेप्ट। तो मान लो कि अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्यूब है, ओपनिंग बढ़ते जा रहा है, हाँ, मतलब तुम जो सीख रहे हो बेसिकली करंट चैप्टर ही है, कुछ है नहीं,
और डायनेमिक्स को हम करंट चैप्टर के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं या उल्टा सॉल्व वाइस वर्सा। तो तुमने ये सीख लिया तो तुम करंट को सॉल्व कर सकते हो इस मेथड से। लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट तो करेगा नहीं, इसलिए दे कैन आइदर बिकम वेरी क्लोज और दे कैन बिकम वेरी स्पार्स और वेरी फार अवे और रेडिफाइड। एंड द रेडिफाइड विल रिप्रेजेंट द लोअर वेलोसिटीज। तो यहां पे वेलोसिटी अगर ये क्रॉस सेक्शन मान लें और ये मान लें, तो अगर ये वी वन है वी टू है तो कौन सा बड़ा है, विच वन इज बिगर? तो डेफिनेटली वी वन इज बिगर देन वी टू। यस, और ये हम लोग अक्सर करते हैं कि भाई पानी अगर हमें गार्डन में स्प्रेड करना हो, स्प्रिंकल करना हो, तो हम अपने जो ट्यूब आता है उसको हम प्रेस करते हैं हाफ, और उससे जो होता है कि वॉल्यूम एरिया कम होता है, वेलोसिटी बढ़ाती है एंड इट कैन गो फार्दर। तो ये अक्सर हम बचपन में सबक करते थे, गार्डनिंग करते थे, मुंबई में ऐसा होता नहीं, इसलिए ये छोटे शहर में होता है। ओके, तो यहाँ पे ये था स्ट्रीम लाइन का डेफिनेशन। इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, आई होप सो। नहीं है। अब यहाँ पे दो तरह, हाँ दो तरह की चीजें दिखाएंगे। पहले हम दिखाएंगे फ्लो रेट। तो दो तरह के होते हैं फ्लो रेट, एक होता है वॉल्यूम फ्लो रेट दूसरा मास फ्लो रेट। तो बहुत ही सिंपल है, एक पाइप मान लो, मतलब कि लिक्विड यहां से निकल रहा है, खैर अभी ये विकास की तरह इसको बताते हैं, मतलब कि इसकी अपनी जो वेलोसिटी मानते हैं अभी, तो मान लो कि ये लिक्विड जा रहा है वी स्पीड से, तो मान लो कि इफ यू ड्रॉ टू क्रॉस सेक्शन या यहां पे क्रॉस सेक्शन मानते हैं, टाइम डीटी में कितना गैस जाएगा लिक्विड वी डीटी, तो कितना वॉल्यूम शिफ्ट कर लिए, देखो ये वॉल्यूम शिफ्ट कर लिए क्योंकि डीवी का रखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वी डीटी। तो डी वॉल्यूम में डीटी कितना गया, ए वी, बेसिकली डिस्चार्ज को ही इसी को कहते हैं डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज का ही दूसरा नाम है वॉल्यूम फ्लो रेट। ओके, हेलो, हाँ एक मिनट हैंग करके रखते हैं कुछ तो, हाँ हाँ अरे यार नेट तो नहीं चल रहा है। ठीक है, कुछ तो हो रहा है, अपने आप भागे जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे डर है कि सेव पर कर लेता हूँ, सेव होना चाहिए, तो क्या हो रहा है। जी हैंग कर गया, तुमने शेप क्या किया? नहीं, क्या हो रहा है, दो मिनट को रिस्पॉन्ड करेगा बाद में। एक्चुअली बहुत सारे बटन प्रेस कर दिए ना, तो कंफ्यूज हो गया। हाँ
चलो सेव तो हो गया, अभी देखते हैं। सेव हो गया ना? हाँ सेव हो गया। हेलो, हाँ हाँ, तो आप एक बार सेव हो गया ना, तो वो अभी बंद करके फिर से रिजॉइन हो जाना। अभी स्टॉप भी होना। हाँ अब आप देखते हैं। मैं लैपटॉप ही हैंग कर गया, तो फिर से बंद करके स्टार्ट किया।
हेलो ऑन हो रहा है से एक ही में पानी भर के आता तब तक हाँ सर ओके तो हाँ तुम यहाँ पे थे कंटिन्यूटी हो गया ठीक कंटिन्यूटी हो गया हमारा अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ओयलर्स इक्वेशन यस और ओयलर्स इक्वेशन से हम डिराइव करेंगे बर्नौल इक्वेशन बर्नौली स्प्रिंग में फिर भूल गए बर्नौली स्प्रिंग बताओ मुझे NOULI वो सब इक्वेट करते हैं राइट हम लोग उसमें प्रेशर और रो जी एच और वेलोसिटी का जो एनर्जी होता है हाफ रो वी स्क्वायर तो ये क्या होता है हाफ रो वी स्क्वायर क्या होता है हाफ रो वी स्क्वायर बेसिकली कैसे बताओ काइनेटिक एनर्जी होता है उसका अच्छा और ROGH और ROGH तो उसका वही हो गया राइट बेसिकली हम लोग बेसिकली काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली नहीं उस मोशन की वजह से कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है ना वो होता है राइट तो ROGH क्या था ROGH ROGH हाइट की वजह से कितना प्रेशर है ओके ठीक है तुमने हम लोग बहुत एक नए तरीके से पढ़ेंगे मतलब जो तुमने देखा है स्कूल में या जो एसी वगैरह ने देखा है वो हम ऐसे नहीं पढ़ने वाले हाँ. हम वॉयलर्स इक्वेशन पढ़ेंगे जो वॉयलर्स इक्वेशन क्या होता है द फ्लूइड पार्टिकल विल फॉलो अ पाथ अलोंग अ स्ट्रीम लाइन है ना सो एवरी अलोंग द स्ट्रीम लाइन द फ्लूइड पार्टिकल विल आइदर एक्सेलरेट और डिसेलरेट बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस यस So imagine कर लो कि if we have a xy plane मतलब कि ये vertical plane और इस vertical plane में एक ऐसा stream line है जो कि vertical plane move करने के उसका जो y component है वो change होता जा रहा है ये क्या है stream line है कोई एक मानेंगे हम एक सिंगल stream line मानते हैं और मोशन का जो मैंने बोला था स्टार्टिंग कि वी एनालाइज द मोशन ऑफ फ्लूड पार्टिकल तो अक्सर मैं बोलता हूँ कि फ्लूड पार्टिकल जैसी चीज हाइपोथेटिकली मानना पड़ेगा तो यहाँ पे छोटा सा नन्ना सा हम बनाएंगे फ्लूड पार्टिकल ठीक है हाँ तो इट इज लाइक अ सिलेंडर बट समझाने के लिए मैंने इसको बना दिया फ्लूइड पार्टिकल और इसका लेंथ क्या मानते हैं डी एस मान लेते हैं ठीक चलेगा
अब ये हाइपोथेटिकली कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि किधर है, किसी ट्यूब के अंदर है किधर है हमें नहीं पता, लेकिन चलो तुम ऐसे चाहो तो समझने के लिए ऐसे कुछ बना लो कि सर इधर है, ये एक मीडियम में जा रहा है, ऐसे कहीं होगा, पानी नहीं है वहां पर। ये पानी के अंदर का एक पार्ट, एक जस्ट हम एक सिंगल स्ट्रीम लाइन मान रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं है, यानी कि ये एक स्ट्रीम लाइन है बस, और कुछ नहीं। ओके तो ये लिक्विड के अंदर हमने एक रैंडम स्ट्रीम लाइन चूज कर लिया, और हम हाँ उसके ऊपर एक पार्टिकल चूज कर लिए, और हमें ये मालूम है, ये हमें मालूम अच्छे से कि अगर ये लैमिनार फ्लो है तो ये वाला पार्टिकल इस लाइन को छोड़ेगा नहीं, सही बात है, हाँ क्योंकि हम जानते हैं कि लैमिनार फ्लो का मतलब ही होता है कि जहां पे हर पार्टिकल अपने अपने रास्ते को फॉलो करे, सही बात है। तो यहाँ पे और भी स्ट्रीम लाइन होगा, लेकिन उस पाथ पे हम जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अगर गए तो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा फ्लो। और हमें बर्नौली क्वेश्चन किसके लिए पढ़ते हैं? लैमिनार फ्लो के लिए पढ़ते हैं, यानी कि टर्बुलेंट फ्लो का कोई बर्नौली नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये बर्नौली का एक क्वेश्चन था, नहीं, बर्नौली का एक आइडिया था जिसको वॉलर ने प्रूफ किया था। कैसे प्रूफ है देखते। तो सबसे पहले ये लिक्विड क्यों मुंह फेरेगा? भाई पानी के अंदर ही हम है, मान लो मतलब मैं पानी के अंदर हूं तो मैं क्यों मुंह फेरूंगा? दो बातें हैं, या तो अगर मेरा मोशन एक ऐसे रास्ते पे हो रहा है जिधर कोई फोर्स ही नहीं है और जिधर इनर्शिया चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी कि अगर मेरी स्पीड मेंटेन कर दो तो मैं इनर्शिया से मूव कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो लफड़ा है भाई, तुम वर्टिकली मूव करोगे तो ग्रेविटी का तो इफेक्ट लगेगा ही लगेगा, है कि नहीं? डीएम है, यस और इस बात है कि बाकी अड़ोस पड़ोस के जो लिक्विड है वो बेचारे मिलजुल के एक नॉर्मल आएंगे ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर, ताकि ये स्ट्रीम लाइन से भागे नहीं। और ये भी बात है कि स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर सारे फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, नहीं तो भाई यस रास्ता चलेगा, क्योंकि बात तो लाइन है तो टेंजेंशियल ही होगा, यानी कि अगर हम रेंडमली कुछ एंगल मान ले थीटा का, मान ले ऐसे ऐसे मानना भी चाहिए थीटा का, थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन को फिर से याद करते हैं बचपन की बातें, और ये डेरिवेशन जेई में है नहीं लेकिन मैं पढ़ाता ओके हूँ। तो अगर इसका टेंजेंट कर दे तो ये थीटा बनाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा अपने आप, है ना? हाँ और हम जानते हैं कि स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? बैलेंस, यस तो वो नॉर्मल मोल बैलेंस कर देगा। हम बात करते हैं प्रेशर की अलोंग द मोशन की बात करते हैं, यानी कि इस पॉइंट पे हम मानते हैं कि कुछ प्रेशर पी मान लेते हैं, तो इधर से क्या होगा? प्रेशर पी प्लस डीपी होगा, है? ठीक है, इस छोटे से प्यारे से पार्टिकल जिसका नाम है फ्लूड पार्टिकल, इसका एरिया मान लो डीए है, ठीक है, तो नेट फोर्स अलोंग द टेंजेंट क्या रखेंगे? क्योंकि ये जानने वाला तो ऐसे ही है ना, विथ सम एक्सेशन ए टेंजेंशियल, तो हमें लिखना है नेट फोर्स अलोंग द टेंजेंट इक्वल्स टू एम ए टी, यही लिखना है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है उधर अपना सर्कुलर मोशन का लग जाएगा कॉन्सेप्ट, बट फ्लूड का मोशन हम इतना फास्ट नहीं मांगे कि सर्कुलर मोशन लेना पड़ेगा, लेकिन हम मानना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन हो क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन और अलग सा ही आ गए, तो ओ माय गॉड हेल क्वेश्चन, हाँ ये सर्कल कर्वी लीनियर पाथ, हाँ हाँ ये यस कर्वी लीनियर पाथ है, सर्कल थोड़ी नहीं सर्कल मतलब कर्वी लीनियर है लेकिन उसका एक पार्ट मान सकते हैं राइट है, राइट, यानी कि इसका अपना एक हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, कर्वेचर होगा यस तो यहाँ पे इक्वेशन हर अगर एक लिखना है, पॉइंट का एक एक होगा हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इस पॉइंट पे क्या लिखेंगे? डीएम जी कॉस कॉस थी का माइनस डी एन इक्वल टू डीएम ओ माई गॉड वी स्क्वायर ओ माई गॉड अपॉन आर, तो ये सब नहीं करना, हाँ इतना कौन, तो ये वाला इग्नोर, इस पे आते हैं, ये अपना प्यारा सा, ये तो छोटा सा है सिंपल सा, हाँ और इनफैक्ट ये वाला हमने डिस्कस कर लिया, कहाँ किया याद है? पिछले वाले शीट में जब हम रोटेशन ऑफ फ्लूड पढ़ा रहे थे यस
तो वो वाला हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग ये वाला करते हैं, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे नेट फोर्स अलोंग द टेंजेंट लिखो ना, क्या लिखेंगे? पी डी ए, हाँ ये सपोर्ट करेगा, माइनस पी प्लस डी पी इंटू डी ए अपोज करेगा, माइनस डी एम जी साइन थीटा, यही होगा ना, देख लो। ठीक लिखा, लॉज ऑफ मोशन। हेलो, हाँ लॉज ऑफ मोशन समझा क्या? हाँ अच्छा, तो अगर ये समझ में आ रहा तो क्या इसलिए लिखते हैं डी एम इंटू ए टी? यस। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। पक्का? पक्का, सोच लो। उधर क्या जाएगा? डीएम एटी। अरे अरे, डीएम को कैलकुलेट, डीएम को तो लिख सकते हैं ना, रो डी ए डी एस 280। अब इसके नीचे लेके जा जाओ, ये डीए चला गया। हाँ, तो माइनस डीपी माइनस रो डीएस को साइन थीटा, जी छूट गया। हाँ या जी छूट गया, इक्वल टू क्या जाएगा? रो डीएस एटी। Yes. Exactly यही है तुम्हारा Euler's equation। अभी खत्म नहीं हुआ। Yes. अब वहाँ पे shift कर देंगे, right basically। तो dp minus rho g क्या था भाई? ds sin theta equals to क्या था? rho ds। अब आता इंटरेस्टिंग, एटी का कहेंगे वी डीवी बाई डी एस, ये तो डिफिनेशन एटी का। हाँ, डीएस डीएस चला गया, इधर क्या बचेगा? माइनस डीपी रो जी, और ये डीएस साइन थीटा क्या होता है मालूम? इसी को कहते हैं डी वाई, डीएस। यस, समझ गया मैं। ये लोग बहुत बार कर चुके हैं, कितनी बार कर चुके हैं। हाँ, तो यही है, देखो dp माइनस रो जी डी वाई रो वी डी वी। अब इसको एक साथ लिख दो, dp प्लस रो जी डी वाई प्लस रो वी डी वी इक्वल टू जीरो। इसको और अच्छे से लिखते हैं, dp प्लस रो वी डी वी प्लस रो जी डी वाई इक्वल टू जीरो। अब इसको, अब देखो ये है, दिस इज कॉल्ड द फाइनल यूलर्स, बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इसको कहते हैं वॉयलर्स इक्वेशन। हाउ टू रीड यूलर्स इक्वेशन, वॉयलर्स, ओके। बोलते अलग है, ये सब फ्रेंच लोग है ना, फ्रेंच वाले लोग का एक प्रॉब्लम। हाँ, वो अक्सर फ्रेंच में लिखते हैं, वो इंग्लिश में कन्वर्ट गलत होता है, अक्सर होता है गलत। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया, और इसी इक्वेशन को हम अगर इंटीग्रेटिंग कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो इसको हम लिख देंगे कांस्टेंट, क्योंकि जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो ये जगह पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट सब में ऐड होगा, तो दैट वी कैन पुट इन अदर साइड। और यहाँ पे सबका एक नाम है, और इसको ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे क्या कहते हैं? द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर, क्योंकि तुम्हें याद है कि जब लॉज ऑफ मोशन लिखा था मैंने, तो यहाँ पे पी स्टैटिकली लगा, यहाँ पे एक्चुअल, एक्चुअल जो एक्चुअल प्रेशर है उसी को बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर, जो लिक्विड के अंदर उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, जो पता नहीं है। इसे क्या बोलते हैं? चूंकि ये स्टैटिक है, तो इसको कहते हैं डायनेमिक प्रेशर। ओके, और इन दोनों का जो सम है
यस क्या मालूम क्या बोलते उसको, इन दोनों के सम क्या होते हैं, व्हाट वी कॉल इन दोनों के सम को, स्टेट प्रेशर, तो वो कह रहा है और वो डायनामिक, तो टोटल प्रेशर, इसे बोलते हैं स्टैग्नेशन प्रेशर, स्टैग्नेशन, ओके, टोटल तो वो पूरा हो जाएगा राइट, स्टैग्नेशन, ओके, और इसको क्या होता है उन्होंने, क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ओके, और इसका कोई यूज नहीं है, थर्ड टर्म जो है वो रेफरेंस होता है, यानी कि दिस इज डिफाइंड रेफरेंस, ओके, अच्छा मेन वो दोनों, हाँ मेन पैनल होता है, तो अगर कोई भी स्ट्रीमलाइन का, अगर हमने कोई भी स्ट्रीमलाइन ऐसा जो उसके जो कि हॉरिजॉन्टल है, तो अगर स्ट्रीमलाइन हॉरिजॉन्टल है तो थर्ड टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि हर एक पॉइंट का रेफरेंस हाइट का वसीम होगा, इसलिए थर्ड टर्म भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो उसको इधर शिफ्ट कर दो तो क्या जाएगा हमारा, फॉर हॉरिजॉन्टल स्ट्रीमलाइन वी ओनली राइट द टू टर्म्स, दैट्स इट, देखिए स्टैग्नेशन प्रेशर क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट है, तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो दो तरीके से, कंजर्वेशन ऑफ प्रेशर से, लॉस इन स्टैटिक इज गेनिंग काइनेटिक, सो डेल्टा पी स्टैटिक, या इसको ऐसे बोल सकते हैं लॉस इन स्टैटिक प्रेशर, इसको कहते हैं एक्चुअल प्रेशर जिससे तुम फोर्स फील करते हो, इज इक्वल्स टू गेनिंग काइनेटिक प्रेशर, यानी क्या, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, समझे क्या, और ये हम अक्सर घर में भी देखा होगा तुमने कभी, क्या अगर हम दो पैरेलल शीट ले लें, पेपर का शीट ले लें और उसके बीच के हवा को जोर से फूके तो क्या होगा, पेपर विल कम क्लोजर और गो अवे, पेपर विल कम क्लोजर, क्यों, क्योंकि वो अगर मूव करेगा तो प्रेशर उसका कम हो जाएगा, पी कम हो जाएगा तो आउटसाइड प्रेशर आएगा राइट, फिर दो पेपर लो, हाँ फूको जोर से, एक मिनट वो पेपर लेना पड़ेगा, हाँ उसको पैरेलली आपस में उसको पैरेलली और जोर से फूको, ओके, हाँ तो वो बीच में आ जाता, मतलब थोड़ा चपक जा, वही मैंने बोला ना कंप्रेस हो जाता, इसलिए मैं बोलो क्या हो रहा है इस केस में कि ये जो, एक मिनट को मैं एनोटेट करके दिखाता हूँ, ये वाला जो टर्म है ना वो बढ़ रहा है तो उसके वजह से ये डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एक्चुअल प्रेशर घट जा रहा है, हाँ एक्चुअल प्रेशर कम हो जाता है तो उसके वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, जो इक्विलिब्रियम पहले था वो अब चिपका देता है उसकी वजह से, ये बाहर का जो प्रेशर उतना ही है, अंदर घट गया, हाँ अंदर घट गया, यस, या यूं हम समझे कि तुम्हारे फूकने से क्या हुआ कि वहां का हवा आगे बढ़ गया तो वो साइड वेज हीट कम कर रहा है, तो तुम हवा को जब जोर से फूकते हो तो वो दीवार पे कम हीट करता है, ऐसे मान चलो कि तुम दो गली के बीच में वॉक कर रहे हो और तुम्हें दोनों दीवार पे जोर जोर से मारना है, तो जोर जोर से मारना कब पॉसिबल है, दौड़ते हुए या स्लो में, तुम्हें आगे बढ़ना है और राइट लेफ्ट मारना है, तो कब ज्यादा अच्छे से मारोगे, जब स्लो स्पीड है या जब हाई स्पीड है, नहीं समझे, मान लो कि ये गली है, ये तुम दौड़ रहे हो, तुम्हें इसको ऐसे पंच करना है साइड से, तो कब पंच अच्छे से करोगे, जब तेज चलोगे या जब स्लो चलोगे, पंच कब ज्यादा करोगे, जब तुम्हारा स्पीड कम है या ज्यादा है, आ रही आवाज, हाँ आ रही आवाज, क्या बोल रहा हूँ, हाँ सर आ रही है, क्या बोला, तो वो चिपक जाएगा राइट, अरे मैंने सवाल पूछा कि जब हम हवा फूंकते हैं बीच में तो उधर का जो एयर है उसका इनर्शिया क्या होता है, आगे बढ़ने का होता है, एक मिनट नहीं, तब वो जो एयर है
वो तो तभी रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, अब फूकोगे तब आगे बढ़ेगा, राइट? हाँ, तो उसका इनर्शिया क्या होगा आगे बढ़ने का, हाँ तो साइड वेज फोर्स कम लगाया करो, यानी दीवार पे वो कम हिट करेगा ना आगे, वो तो आगे जा ये रहा है। बेसिकली एक्सप्लेनेशन होगा कि वो क्यों चिपक जाता है, हाँ राइट? हाँ राइट राइट। हाँ समझ तो गया, ये तो बर्नौली क्वेश्चन, मैथमेटिक्स यस एनालिसिस, यस कॉमन यस सेंस क्या यस बोलेंगे। हाँ, वो आगे चला जाएगा तो वो साइड का फोर्स वीक हो जाएगा, मतलब हाँ इसलिए जो बाहर इनिशियली जो, जो पहले हाँ रेस्ट पे था तब वो ओवरऑल सब जगह प्रेशर लगा रहा था, लेकिन अभी अगर फूका तो आगे ज्यादा लगा रहा है तो वो आगे जा कंट्रोल, रहा है, वो आगे आगे जा जा रहा रहा है। है, यस। तो अगर हम कंप्लीटली वैक्यूम बना देंगे तो बाहर का प्रेशर उसको चिपका देगा। चिपका देगा पूरा, तो इसी पे बेस होता है हमारा क्या, एरोफॉइल। इसलिए जब वैक्यूम बॉक्सेस बनाते तो वो मटेरियल अच्छा लेते कि वो विदस्टैंड कर सके उतना प्रेशर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो मतलब प्लेन का भी मटेरियल वैसा ही होता है, राइट? वो अंदर का प्रेशर उसके लिए ज्यादा होता है। एयरफॉइल कहते हैं ये, ऐसा होता है। हाँ नीचे फ्लैट होता है, ऊपर कर्व होता है। लेकिन अगर तुम F1 रेस कार देखोगे, F1 कार, उनका स्पॉइलर ऐसा होता है, स्पॉइलर का स्पॉइलर, जो स्पॉइलर का क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा। इनफैक्ट द द शेप ऑफ द स्पॉइलर ऑफ द रेसिंग कार इज इनवर्स ऑफ द प्लेन। प्लेन में क्या होता है, विंग्स ऐसे होते हैं उठे हुए, है ना? और कार में विंग्स क्या होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं ऐसे। और जो क्रॉस सेक्शन उसका ये शेप होता है। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि जब प्लेन बहुत तेजी से जा रहा है आगे की तरफ, तो नीचे का हवा डिस्टर्ब नहीं होता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसे ही रहता है जैसे यस है। लेकिन बहुत तेजी से जाओगे तो प्लेन के फ्रेम में क्या हो जाएगा, हवा का स्पीड इधर उल्टा हो जाएगा वी। एक ही तरीका है, प्लेन को फिक्स कर दो तो उसके तुम्हारे फ्रेम में क्या हवा पीछे आ रहा है, तो हवा जो है इससे टकरा कर ऐसे भागता है, तो नीचे आ ही नहीं पाता, ये आता है तो बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पे क्या है, पार्शियल वैक्यूम है, देखा है, वहां पे एयर कम है, इसीलिए एटमोसफेयर को जो प्रेशर यहाँ से ज्यादा होता है पीओ, यहाँ से प्रेशर बहुत ही कम होता है, हल्का फुल्का, तो नेट अपवर्ड लिफ्ट आता है। तो जो नेट अपवर्ड लिफ्ट है वो जगह प्रेशर डिफरेंस इनटू इनटू क्या, एरिया ऑफ द विंग। इसीलिए बड़े जैसे कि जो लॉन्ग फ्लाइट होती है या जिसका साइज बड़ा होता है उसका विंग साइज बड़ा होता है, जो कार्गो फ्लाइट होती है उसका भी विंग साइज बड़ा होता है, बिकॉज दे नीड टू लिफ्ट अ लॉट ऑफ थिंग, है समझे क्या। सो बिगर विंग्स विल क्रिएट द हाई प्रेशर डिपेंडिंग ऑन द साइज। ठीक है, तो जहां पे रनवे छोटा होता है वहां पे छोटे फ्लाइट जाती हैं, बड़े फ्लाइट नहीं आती। रनवे बड़ा होता है तो वहां पे बड़े फ्लाइट जाते हैं, ठीक है, बिकॉज दे टेक मोर टाइम टू टेक ऑफ एंड लैंड ऑल्सो। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो प्रेशर डिफरेंस है और इनटू एरिया, ये होता है लिफ्ट फोर्स विच इज बैलेंसिंग द ग्रैव द टोटल वेट ऑफ द प्लेन, और उड़ने के लिए ये ज्यादा होना चाहिए एमजी से, बस यही है ना। लेकिन चूंकि ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, चूंकि प्लेन का साइज बड़ा होता नहीं, ये क्या है ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, तो फॉर एनी स्ट्रीम लाइन द थर्ड टर्म विल नेवर अपीयर, सो वी कैन ओनली राइट डायरेक्टली क्या लिखेंगे यहाँ पे, किसी भी प्लेन वाले क्वेश्चन का लिखेंगे हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यानी कि जो नीचे का विंग है उसका वेलोसिटी क्या होता है, उसका वेलोसिटी हम जीरो मानते हैं यस रफली, ऊपर का प्लेन के इक्वल मानते हैं, इसलिए P1+0=P2+ का लिखेंगे हाफ रो वीपी स्क्वायर, और इसलिए P1-P2 का वैल्यू क्या आता है न्यूमेरिकली, और इसीलिए
जो मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ प्रेशर क्या हो सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम प्लेन स्पीड, तो कितना स्पीड तुम प्लेन चलाने के बाद कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो लिफ्ट फोर्स की अपनी लिमिट फिक्स है, इसलिए तुम कितना भी तेज चला लो हवाई जहाज जो तुम चलाओगे नहीं, द मैक्सिमम स्पीड दैट वी शुड हैव टू लिफ्ट विथ मैक्सिमम वैल्यू इज पी ए टी एम, यानी कि अगर डिफरेंस क्या पी ए टी एम इक्वल, चूंकि दोनों तरफ का डिफरेंस मैक्सिमम क्या हो सकता है, एक पी मैक्स और एक जीरो, ये हो सकता है ना मैक्सिमम, नहीं समझे? ऊपर का प्रेशर मिनिमम क्या होगा, जीरो हो सकता है, मिनिमम जीरो, यस, ये मतलब एम वर्स्ट केस सीन, और पीएम का मैक्सिमम वर्स्ट केस एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, तो जो डिफरेंस है वो बेसिकली पी नॉट का है, हां पी एटीएम मतलब, हां which gives us the limit कि कितना तेज चलाना चाहिए ताकि हमें लिफ्ट मैक्सिमम मिले, तो टू हैव मैक्सिमम लिफ्ट वी कैन से हाफ रो इक्वल्स टू पी एटीएम, इससे ज्यादा लिफ्ट मिलेगा नहीं तुम्हें, एंड देयरफॉर द वी प्लेन का जो मैक्सिमम होता है 2PATM अपॉन रो अंडर रो, इससे तुम तेज चलाने पे कोई फायदा नहीं होगा, हालांकि इतना तेज नहीं चला सकते क्योंकि ये वैल्यू जब तुम निकालोगे तो ये बहुत ज्यादा आएगा, कितना आएगा निकाले, एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 पास्कल मान लेते हैं, डेंसिटी फेयर क्या कितना होता है 1 kg, कितना आ गया, टेन रूट 20 meters per second है, कितना आया है, सॉरी सॉरी, एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है 10^5, डेंसिटी फेयर क्या होता है 1 - 3 होता है ना, 1 kg/m³, यही होता है डेंसिटी ऑफ एयर 1 meter, हाँ 1 ही होता है, माय मिस्टेक, ये 100 आएगा ना, 4 था, तो रूट 20 कितना आएगा, रूट 20 4.46 है, ₹446 per second यानी कि 18/5 km/h, रफली 1800 km/h, जो नहीं होता है, एक प्लेन की स्पीड क्या होती है मैक्सिमम 1000 से 1200, तो प्रैक्टिकली भी आ रहा है आंसर कि हाँ ठीक है इतना तो नहीं होगा, समझे क्या? तो बर्नौली क्वेश्चन में क्या सीखना चाहिए, देखो आवाज आ रही है, हेलो जश आ रही आवाज, हाँ सर, बर्नौली क्वेश्चन में क्या सीखना चाहिए हमें, क्या कोई भी, हाँ कोई भी स्ट्रीम लाइन, जैसे तुम जैसे पॉइंट मानते हो, यस, तो जब तक मोशन वर्टिकल नहीं तब तक थर्ड टर्म लिखना ही नहीं है, यस अंडरस्टूड, क्योंकि वो सेम वो क्यों रिलेटिव है ना, राइट थर्ड टर्म, राइट, तो थर्ड टर्म हमेशा किसी रेफरेंस लिखते हैं, अगर रेफरेंस यहां मानोगे इसको रेफरेंस मानेंगे तो फिर लिखना होगा इसका थर्ड टर्म होगा, इसका थर्ड टर्म होगा, अच्छा जो पहला टर्म है होता है टोटल स्टैटिक प्रेशर विच इज पी ए टी एम प्लस माइनस रो जी एच, और सेकंड टर्म होता है हाफ रो वी स्क्वायर फर्स्ट सेकंड, और थर्ड होता है रेफरेंस हाइट, कभी कभी सारे टर्म एक जैसे दिखते हैं इसलिए कंफ्यूज नहीं होगा, इसीलिए मैंने पूछा था कि तुम क्या तीनों टर्म को मतलब समझते हो क्या तो आंसर है कि नहीं, ये तीनों तो टर्म अलग अलग मतलब के होते हैं, और तीनों को समझना चाहिए कि क्यों लिखा आता है, हाँ. तो प्रेशर केवल पहले टर्म में ही होता है, सेकंड थर्ड टर्म में प्रेशर नहीं होता है, ओके, पहले सेकंड टर्म डायनेमिक प्रेशर है विच इज ऑलवेज क्रिएटेड एट द एक्सपेंस ऑफ स्टैटिक, बिना स्टैटिक के लॉस के डायनेमिक क्रिएट नहीं होगा, या वाइस वर्सा, ठीक है, तो ये सब बातें हैं, और अब क्वेश्चन जो है हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज इतने करते हैं, मैं अभी भी पूरे अच्छे तरीके से ठीक नहीं हुआ हूँ।
ठीक है, तो हम करते नेक्स्ट क्लास, तो नेक्स्ट क्लास क्या करते हैं, संडे लेते हैं हम लोग फिर से वही, जिससे पहले अपना टाइम टेबल क्या था हमारा, ट्यूजडे है ना, ट्यूजडे करते हैं, ठीक है। हेलो जस्ट, आ रही आवाज? हेलो, हाँ सर आ रही है, थोड़ा ब्रेक हो रहा। अच्छा अच्छा, मैं बोल रहा हूँ चलो बाकी हम लेक्चर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ट्यूजडे को। ओके ठीक, बाय सर, थैंक यू, गुड नाइट। नहीं।